थ्री पार्टिसिपेंट्स हैं जो लाइव हैं. वी हैव मेंबर्स ऑफ अवर वेदा एक्सटेंशन सेंटर्स ऑल्सो एंड फैकल्टीज एंड स्टाफ मेंबर्स. दिस इज अ वर्कशॉप ऑन हाउ टू मेक योर लिंक्डइन प्रोफाइल अ जॉब मैग्नेट. एंड बिफोर स्टार्टिंग दिस वर्कशॉप, यू नो, आई वुड लाइक टू टेल यू दैट दिस वर्कशॉप इज गोइंग टू हैव अ सरप्राइज गिफ्ट फॉर ऑल द अटेंडीज, दोज हु आर अटेंडिंग दिस वर्कशॉप. बट एट द एंड आई विल टेल यू हाउ टू अचीव दैट गिफ्ट, बिकॉज चीजों को खाली ऐसे फ्री में लेना ठीक नहीं है. यू शुड एविल दैट गिफ्ट, और वो कैसे आप अचीव कर पाओगे वो भी मैं आपको इस वर्कशॉप में बताऊंगा. एंड वी आर ऑल्सो गोइंग टू डिस्कस सम लाइव सीक्रेट्स ऑफ अमेजिंग सीक्रेट्स ऑफ लिंक्डइन एंड हाउ यू कैन ट्रांसफॉर्म योर लिंक्डइन प्रोफाइल टू गेट बेटर अपॉर्चुनिटीज इन योर लाइफ, नॉट ओनली एज अ स्टूडेंट बट एज अ प्रोफेशनल ऑल्सो. But before that, I would like to mention our journey, my journey with LinkedIn. See, I started LinkedIn when I was not in Veda. In 2010, we started Veda, but I started using LinkedIn in 2005. LinkedIn itself, you know, as a company started in 2000, and from 2005, I am on LinkedIn, following LinkedIn with many profile changes later on. But one of the magnificent thing I saw in LinkedIn that if even you are on LinkedIn with right profile and right clues, right descriptions, LinkedIn can push you on the ladder of success automatically. I'm going to tell all the secrets to you. And let's start with this great workshop. I am going to share my screen to you all. So, मैंने अपना स्क्रीन शेयर कर दिया है. क्या आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा है? अगर दिख रहा है तो प्रेस वन. इफ यू कैन सी माय स्क्रीन, प्रेस वन. ग्रेट, कूल कूल, वेरी गुड. गाइस, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू कीप योर वीडियोस ऑफ एंड माइक्रोफोन म्यूटेड फॉर द सेक ऑफ यू नो हैविंग अ गुड स्पीड, एंड वी शुड ऑल्सो नॉट क्रिएट डिस्टर्बेंस फॉर अदर्स. So let us start with this. We will take question answer at the end of this program. And let's start with how to become a magnet of LinkedIn, or how make our LinkedIn profile a magnet for jobs. Aur iski jo tagline is workshop ki, wo hai job dhoondiye mat, job khichiye. Now, this is very, very significant punchline for this workshop, which I thought should be there. Because hum log as a student jo aaj kar rahe hain, wo ye kar rahe hain ki hum sab ke dimaag mein ye baat hai, isme final year ke student hain, first year ke hain, second year ke students hain, hum sab ke dimaag mein ye hai ki hamari job hamara college ka course karne ke baad mein hame college dega. और मैं आपको बिल्कुल इससे रिवर्स एक सिचुएशन देना चाहता हूं कि आप अपनी जॉब कॉलेज खत्म करने के पहले पहले खुद खींच लें अपने पास. दैट इज व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एंटायर वर्कशॉप. आई हैव सीन स्टूडेंट्स, आई हैव सीन प्रोफेशनल्स, दोज हु आर क्रीबिंग एंड कंप्लेनिंग अबाउट गुड अपॉर्चुनिटीज आर नॉट कमिंग टू देम, दे आर नॉट बीइंग हायर्ड विद यू नो ग्रेट salaries, or maybe they are not working in a great workspace. The only reason is their own inactiveness on the profiles where they should be, their own inactiveness on the tools which they should use actively while searching for all these jobs, or maybe you know searching for an higher salary. So yahan sabse badi problem Indian mindset ke sath ye hai ki hamara jo approach hai life ke liye, अनफॉर्चुनेटली वो रिएक्टिव अप्रोच. रिएक्टिव अप्रोच में और रेगुलर अप्रोच में क्या डिफरेंस होता है वो मैं आपको बताना चाहता हूं. देखिए, रेगुलर अप्रोच ये होती है जिसके लिए आपको किसी चीज का वेट नहीं करना पड़ता. एवरी डे क्या आपका जो रूटीन है ये एक रेगुलर अप्रोच है. लेकिन रिएक्टिव अप्रोच क्या है? आपको बुखार आया, आपने दवाई ली. आपको प्यास लगी, आपने पानी पिया. दिस इज अ रिएक्टिव अप्रोच. इसी तरह हमारा कोर्स पूरा हुआ, अब हम जॉब ढूंढने के लिए कॉलेज के पास गए या जॉब ढूंढना शुरू करी इंटरनेट पे. दिस इज कॉल्ड रिएक्टिव अप्रोच. और अगर वो रिएक्टिव अप्रोच हमारी लाइफ में रहेगी, वी आर नॉट गोइंग टू गो फर्दर.
तो गाइज ये वर्कशॉप जो है वो जॉब ढूंढिए वाली वर्कशॉप नहीं है, जॉब खींचिए वाली वर्कशॉप है। और अगर आप सब लोग रेडी हैं इस सीक्रेट को समझने के लिए कि कैसे इंडस्ट्री की बेस्ट जॉब्स हम तक आ जाएं, कैसे हम बैठे हों और एक दिन हमारी लिंक्डइन प्रोफाइल हम खोले, वहां पे एक जॉब के लिए इंटरव्यू हमारे पास में हमारे इनबॉक्स में पड़ा हो, तो टाइप यस इन योर चैट बॉक्स सो दैट आई कैन गेट अ सिग्नल दैट यू आर मेंटली रेडी फॉर दिस session. Say yes. Dhruv says yes. Yogesh, Jason, lot of. Okay, good. Varun says big yes. Okay, Prabal, good. Sanskriti, Piyush, very good. Sadaf, Harsh, Nitin, great guys. So all of you are ready to go into the side of job pulling rather than searching for a job or an hunting. Job hunting se jada हम जॉब पुलिंग पे भरोसा करने वाले हैं, एंड दिस इज व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस वर्कशॉप, सो लेट्स गो अहेड। नाउ आई वुड लाइक टू टेल यू सम अमेजिंग सीक्रेट्स जो आपने आज तक कभी सोचे नहीं होंगे। ये बिजनेस न्यूज डेली एक न्यूज़पेपर की एक कटिंग है जिसमें उन्होंने 23 मार्च 2020 को एक अपडेट दी जिसमें वो बता रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू 2018 करियर बिल्डर सर्वे 70% ऑफ एम्प्लॉयर्स use social media to screen candidates during the hiring process. देखिए कितना बड़ा नंबर है, 5% नहीं, 10% नहीं, 20% नहीं, 30 नहीं, 50 नहीं, 70% employers social media के ऊपर candidates को search करते हैं। About 43% of them are using social media to check on their current employees. Current employees भी जो भी हैं इस workshop में, आप लोगों के लिए भी बहुत बड़ी tip है। 70% employers नए लोगों को ढूंढते हैं सोशल मीडिया के थ्रू, और 43% employers अपने existing employees की activities पे नजर रखते हैं through social media. Very big, very important number to note down. Next, monster.com, job की इंडिया की बहुत बड़ी वेबसाइट, वो क्या कहती है, ये रेड बॉक्स को देखिए। A recent study by Society of Human Resource Management found that 84% of employee recruit via social media. कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात, 84% employers recruit कर लेते हैं सीधे सीधे। पहली प्रोफाइल हमने देखी 70% लोग सर्च करते हैं, 84% होंगे उनमें से जो सीधे रिक्रूटमेंट करते हैं सोशल मीडिया के थ्रू, और 43% employers screen job candidates through social network and search engine. If we are ignoring this, you know now the percentage of opportunities you are missing or you are ignoring by just ignoring your social media profiles. 84% opportunities की तरफ आपका ध्यान ही नहीं है, ना वो opportunities आपको कभी देखने वाली है अगर आपका social media proper नहीं है। So guys, this is something which you need to keep in your mind. Sumit, very good. ठीक है guys, let's go ahead. Career builder, 70% of employers are snooping candidates social media profile. Career builder की news, और ये सारी news पिछले 3 सालों में मैंने आपको बताया कैसे चीजें increase होती जा रही है। तो हमने ये देखा कि हम social media पे अगर हैं तो pool of opportunities are waiting for us. If we are not on social media, the opportunities which we are searching or maybe waiting for will never come to us. बिकॉज हम लोग जहां वेट कर रहे हैं, जिस गली में हम वेट कर रहे हैं, उस गली में वो बस आती ही नहीं है, और हम सिग्नल पे खड़े हैं पूरा सुबह से लेकर शाम हो गई। शाम को एक आदमी आया, आपने उससे पूछा कि मैं वेट कर रहा हूं इस सिग्नल पे बस के आने का, उसने कहा सर ये सिग्नल तो कब से बंद हो गया, अब बस इस रास्ते से जाती ही नहीं है। तो इंटरनेट और सोशल मीडिया की एज के पहले जो रास्ते थे रिक्रूटमेंट के, उन पे अब बस नहीं चलती है। वो रास्ते थे न्यूज़पेपर के अंदर क्लासिफाइड में अपना जॉब ढूंढना, वो रास्ते थे रेडियो पे सुनना जॉब के बारे में, वो रास्ते थे किसी के रेफरेंस से जॉब पे चले जाना, वो रास्ते थे गवर्नमेंट का मुनादी करवाना कि आओ और जॉब करो। अब इनमें से कोई भी रास्ता काम नहीं कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता है जिसको हम लोग इग्नोर करके बैठे हैं, वो है सोशल मीडिया प्रोफाइल। लिंक्डइन के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर अप टू डेट रहना। अब अगर ये फैक्ट है तो अगली बात समझनी है, क्या
कि लिंक्डइन के उस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के क्या फैक्ट्स हैं। मैं कुछ आपको अमेजिंग फैक्ट्स बता रहा हूं। लिंक्डइन हैज ओवर 575 मिलियन यूजर्स, इसको हम अपनी भाषा में अगर बोलें तो 57 करोड़ लोग इस वक्त लिंक्डइन पे रजिस्टर्ड हैं। ये नीचे आप चार्ट जो देख रहे हैं, ये आप इस चार्ट में इंडिया को ढूंढिए, इंडिया इज समवेयर हियर। 50 मिलियन, 50 लाख से ज्यादा लोग जो है ये इस वक्त इसमें हैं। इंडिया से 260 मिलियन, 260 मिलियन यानी 26 करोड़ मंथली एक्टिव यूजर्स हैं लिंक्डइन के। व्हाट ए वाइड नेटवर्क। अब और कुछ फैक्ट्स देखते हैं, ये मैंने आपको बताया। उसके बाद अकॉर्डिंग टू द रिसर्च ऑफ 2018, 50% ऑफ ग्रेजुएट्स इन यूएस आर लिंक्डइन यूजर्स, 50% ग्रेजुएट्स ऑफ यूएस। नाउ व्हाट इज हैपनिंग इन आर कंट्री, we are not even bothered to understand what is LinkedIn. You know, you see, I have sent an invitation, your faculties have sent invitation to almost all the students. In Toto, we have around 300 plus students in our extension center in the college, but how many of them are joined now? How many of them? 88 out of 88, if you remove the 10 faculties, 10 to 12 faculties, you remain only 70. So they don't bother even to have LinkedIn profile. Next, with more than 20 million companies listed on this site, 14 million, 14 crore open jobs hain is waqt LinkedIn ke upar, and no surprise that 90% of recruiters use LinkedIn regularly. Can you imagine? It is not all about Facebook, it is not all about Instagram, it is not all about TikTok. It is not all about your other social media platform, but it is all about LinkedIn. So where we are, hum kis bus ka intezar kar rahe hain, hum kis bus mein baithna chahte hain? Facebook ki bus mein baith ke job ka intezar karna bewakoofi hogi. Instagram ki bus pe baith ke job ka intezar karna bewakoofi hai. Aapko wahan hona hai day one se, jahan pe aapke recruiters ki buses hai, jahan pe aapke recruiters ke vehicles park hai. Ugly fact. A study found that 122 million people received an interview through LinkedIn. Wow, that is what we are looking for, isn't it? Yahi to hum chahte the, ye fact. 122 crore logo ne LinkedIn ke through apna job interview ka receive ya invitation unko mila. Now this is a big factor. अब आप लोगों को यह सोचना है कि क्या ये फैक्ट में आप भी ऐड होना चाहते हो, क्या इस 122 मिलियन की कम्युनिटी में आप ऐड होना चाहते हो। अगर होना चाहते हो तो उसके कुछ स्टेप्स हमें अभी लेने पड़ेंगे ताकि हम राइट टाइम पे प्रिपेयर हो सकें अपनी प्रोफाइल के साथ फॉर द एम्प्लॉयर्स। नाउ द क्वेश्चन कम्स, विल हैविंग अ लिंक्डइन प्रोफाइल विल सॉल्व द प्रॉब्लम, और लिंक्डइन प्रोफाइल make us a job magnet? How many of you think that having a LinkedIn profile can make us a job magnet? Say yes or no in your chat box. How many of you think that having a LinkedIn profile can make us job magnet? Let me see. Tejas saying yes, yes. Aniket, yes. Harish says yes. Okay, good. Jason, Nitin, yes, yes. Everybody says yes. Okay. Very good, very good. There was one no also. Let me see. You know, Aman says 50-50. Okay. Okay. So, rest all says, yes, having a LinkedIn profile can make us a job magnet. Now, what is my answer? My answer is no. It is absolutely no. Yes. Why? I am going to tell you now. Why only having a mere LinkedIn, plain LinkedIn profile cannot make us job magnet? Always remember this thing. Magnet ki taakat kya hai? Uska lohe ko pull karne ka power. Agar ye uski taakat hai, to ek aam lohe ke andar jo magnet jaisa dikhta hai, ye taakat uske andar kyon nahi hoti? Because wo magnetic properties miss kar raha hai. Hamari LinkedIn प्रोफाइल अगर है और वो सिर्फ अगर एक प्लेन सिंपल सादी LinkedIn प्रोफाइल है जैसी कि बाकी हजारों लोगों की होती है, तो वो एक लोहे का टुकड़ा है, वो मैग्नेट नहीं है। लेकिन अगर आपने उसके अंदर वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज डाली,
जो मैं इस वर्कशॉप में आपको बताने वाला हूं, तब जाके वो जॉब मैग्नेट बनने वाली है। आप समझ गए इस बात को? तो ऑलवेज रिमेंबर, अदरवाइज इस वर्कशॉप का कोई मतलब नहीं है। मैं आपको सिर्फ ये बोलता कि आप अपने लिंक्डइन प्रोफाइल बना लो और जॉब मैग्नेट वो अपने आप बन जाएगा। नो, यू विल हैव टू एड दोज प्रॉपर्टीज इन योर लिंक्डइन प्रोफाइल। सो रिमेंबर दिस फैक्ट दैट बाय जस्ट हैविंग अ सोशल मीडिया प्रोफाइल इट इज नॉट द कंप्लीट गेम। क्या करना है ये मैं बता रहा हूं। नाउ सी दिस, क्या होता है जब हम लिंक्डइन प्रोफाइल बिना सीखे बनाते हैं? जॉब कैंडिडेट्स पोस्टेड प्रोवोकेटिव और इनअप्रोप्रिएट फोटोग्राफ, वीडियोस और इंफॉर्मेशन, 40% रिज्यूम्स रिजेक्टेड। जॉब कैंडिडेट पोस्टेड इंफॉर्मेशन अबाउट देम ड्रिंकिंग और यूजिंग ड्रग्स, 36% इंटरव्यूज रिजेक्टेड, एप्लीकेशन रिजेक्टेड। Job candidates having discriminatory comments related to race, gender, religion, 31% CVs, out of box, out of table. Job interviews, job candidates having criminal behavior or linked with the criminal community, 30% jobs out. Job candidates lied about their qualification, 27% candidates out, rejected from the market. 27% candidate with poor communication skills out from the market. 25% candidates having bad word of mouth about their previous communities or fellow employees out. Job candidates with unprofessional screen name, 22% candidates out, rejected. 20% candidates, those who are sharing confidential information about previous employers, out. By the new employer, I am telling you, huh? Job candidates lied about an absence. मैं आज छुट्टी पे था क्योंकि मैं बीमार था और सोशल मीडिया पे फोटोग्राफ है कि दोस्तों के साथ पार्टी कर रहे हो, 16% out. Job candidates posted too frequently on social media, you know, trying to create a trouble for others, 12% profiles out. तो ये जो फैक्ट है, ये बड़ी आई ओपनिंग फैक्ट है कि सिर्फ सोशल मीडिया प्रोफाइल बना लेना काफी नहीं है। अगर काफी होता तो ये सारे कैंडिडेट, इन सारे परसेंटेज में आने वाले कैंडिडेट सिर्फ सोशल मीडिया प्रोफाइल की वजह से अपनी जॉब से हाथ नहीं धोते। लेकिन इन्होंने अपनी जॉब से हाथ धोया क्योंकि सोशल मीडिया प्रोफाइल को यूज करने का, बनाने का, हैंडल करने का तरीका नहीं समझा। आर यू विद मी? इफ यू आर गेटिंग दिस पॉइंट से यस सर। आर यू विद मी? यू गॉट माय पॉइंट और नो? ध्रुव सेज यस, मीत यस सर, यस यस, वेरी गुड, थैंक यू। सो गाइस, यही हमको समझना है। योगेश सेज इंडीड यस, यही तो हमको समझना है कि क्यों प्रोफाइल होने के बाद रिजेक्शन होता है और क्यों एक अच्छी प्रोफाइल जॉब मैग्नेट बनके सिलेक्शन को आसान बना देती है, सिलेक्शन को पॉसिबल बना देती है। ये हमको समझना है और ये समझने का आज का हमारा सेशन है। तो अब अगली जो बात मैं करने वाला हूं आपसे, वो है कि आप इस वर्कशॉप में क्या सीखने वाले हैं अगले एक घंटे के अंदर। इंपॉर्टेंस ऑफ योर लिंक्डइन, हाउ टू मेक योर लिंक्डइन प्रोफाइल लाइक अ प्रो, ये समझना भी बहुत जरूरी है। लाइक अ प्रोफेशनल हम अपनी प्रोफाइल को कैसे बनाएं? एडिंग योर पावर स्किल्स, अंडरस्टैंडिंग फी वर्सेस वॉल, फीड वर्सेस वॉल, इट्स नॉट फी, इट इज फीड वर्सेस वॉल। एंड नेक्स्ट, हाउ टू मेक प्रोफेशनल रिज्यूम्स, सेंडिंग कनेक्शन रिक्वेस्ट टू ग्रो योर नेटवर्क, टू ग्रो योर कनेक्शन। वी आर गोइंग टू कवर ऑल दिस इंपॉर्टेंट पॉइंट। सी, ऑलवेज रिमेंबर बॉयज, ये लिंक्डइन प्रोफाइल या लिंक्डइन के ऊपर मास्टरी होना एक घंटे की बात नहीं है, ये एक कंटिन्यूस एफर्ट है। मैं आपको सिर्फ रास्ता बताने वाला हूं, चलना आप लोगों को है। और आप में से आज इस वर्कशॉप में 94 लोग अभी तक ज्वाइन हो चुके हैं और 94 में से आई एम वेरी मच श्योर कि इसमें कुछ ही लोग होंगे जो इस वर्कशॉप को सीरियसली लेके अपनी प्रोफाइल के ऊपर काम करेंगे। बाकी के लोग इस वर्कशॉप को सिर्फ एक वर्कशॉप समझ के अटेंड करके भूल जाएंगे। उन लोगों को इस वर्कशॉप से कोई फायदा नहीं होने वाला। अगर वो लोग ये सोच रहे हैं कि इस वर्कशॉप को अटेंड करने से उनकी प्रोफाइल जॉब मैग्नेट बन जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं सोचें।
इस वर्कशॉप को अटेंड करने के बाद आपको जो एक्सरसाइज में बताऊंगा, जो कुछ आपको करना है, उससे आपकी प्रोफाइल जॉब मैग्नेट बनेगी। और अगर वो कर लिया तो रिजल्ट की गारंटी मेरी है। आई कैन गिव यू इन राइटिंग कि आपकी प्रोफाइल जॉब मैग्नेट बनने वाली है। कैसे? आइए, एक स्पेशल रिवॉर्ड मैंने जो बोला था इस वर्कशॉप को अटेंड करने वाले हर पार्टिसिपेंट को मिलेगा। यू आर गोइंग टू गेट दिस बैज ऑफ लिंक्डइन प्रो, और यहां जो योर नेम लिखा हुआ आ रहा है, यहां पर आपका नाम लिखा हुआ आएगा। हाउ मेनी ऑफ यू आर लुकिंग फॉर दिस बैज फ्रॉम द कॉलेज? यू कैन पोस्ट दिस बैज ऑन योर सोशल मीडिया, यू कैन पोस्ट दिस ऑन योर लिंक्डइन, ऑन योर फेसबुक, सभी जगह पे। How many of you are looking for this badge? Say yes. Say I am looking for this badge. Me. Very good. Drew. Yes. Piyush. Aman. Just imagine your name on this badge. Jason says yes. Yes. Yuvraj. Good. Very good. Yug. Prateek. Vaibhav. Sadaf. Daksh. Shantanu. Harshal. Ashutosh. Superb. Shivam. Swatantra sir, very good. Varun, Probal, that's the spirit guys. Tahir sir, very good. Ajay sir, very good. Parth, super, super. Priyanka madam, thank you. This is the spirit. You should be here. Your name should be here as LinkedIn Pro. Or is puri workshop ki do series hai. Ek hai LinkedIn Pro, dusra hai LinkedIn Expert. मैं आपको दोनों तरफ लेके चलूंगा। लिंक्डइन प्रो बनेंगे आज हम, और उसके बाद हम बनेंगे लिंक्डइन एक्सपर्ट आगे आने वाली वर्कशॉप में। पर ये रिवॉर्ड कैसे मिलेगा? सिर्फ वर्कशॉप अटेंड करने से ये रिवॉर्ड मिलेगा? नहीं मिलेगा। वर्कशॉप के बाद जो मैं कुछ बताने वाला हूं वो करने से आपको ये लिंक्डइन प्रो का बैज मिलेगा। तो आइए देखते हैं कि क्या करना है जिससे कि हमें ये लिंक्डइन प्रो का बैज मिले। और अब हम सीधे चलते हैं लिंक्डइन की ओर, लिंक्डइन प्रोफाइल की ओर। बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू नो हाउ मेनी ऑफ यू हैव योर लिंक्डइन प्रोफाइल। अभी देखिए, मैं कुछ आपको नहीं कह रहा हूं, अगर है अच्छी बात है, अगर नहीं है बहुत अच्छी बात है। सो इफ यू हैव योर लिंक्डइन प्रोफाइल से यस आई हैव द लिंक्डइन प्रोफाइल। ओके ओके ओके, ग्रेट ग्रेट, ओके। युवराज, युवराज, ओके। प्रतीक, सुहिना, सुमित, सोनल, हर्षल, कामरान, गुड गुड। सम ऑफ देम आर सेइंग नो, ओके, नो प्रॉब्लम। हम वही सब देखने वाले हैं। संस्कृति, हर्षल, हम लोग वही देखने वाले हैं। पुरेंद्र, हम देखने वाले हैं कि कैसे स्क्रैच से लिंक्डइन को शुरू किया जाता है। प्रोबल सेज नो, नो प्रॉब्लम प्रोबल, हम अभी देखेंगे यहाँ पर। ओके, नो प्रॉब्लम। फर्स्ट ईयर, जो जो लोग फर्स्ट ईयर में, उनके लिए तो गोल्डन चांस है। आज अगर लिंक्डइन प्रोफाइल को सही तरीके से सीड कर दिया आप लोगों ने, मैं बता रहा हूं, 3 साल में आपको तीसरे साल में कॉलेज को पूछना नहीं पड़ेगा कहां जॉब करूं मैं। आप कॉलेज को बताएंगे कि सर मेरा सिलेक्शन हो गया है, दिस इज माई ऑफर लेटर, एंड आई वॉन्ट टू सी दैट ड्रीम, आई वॉन्ट टू सी दैट रियलिटी। और ये करने के लिए हमें लिंक्डइन पे आना है। और बिलीव मी, मैंने बताया यूएस के अगर इतने ह्यूज परसेंटेज, 80% लोग अगर वहां पे ग्रेजुएट होते होते तक लिंक्डइन पे हैं, हमें बिफोर ग्रेजुएशन लिंक्डइन पे आना है। तो चलिए देखते हैं कैसे लिंक्डइन पर आएंगे। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप राइट फ्रॉम क्रिएटिंग अ लिंक्डइन प्रोफाइल से लेकर चलूंगा। कोई जल्दी नहीं है, आराम से हर चीज को देखिए, मेरी बातों को सुनिए, नोट्स बनाइए, रिकॉर्ड करिए हर चीज को। और रिकॉर्ड करने के बाद में अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है इस चीज का, स्क्रीनशॉट लेके रखिए। और उसके बाद में भी अगर कोई डाउट आता है, वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू आउट। सो लेट्स गो स्टेप बाय स्टेप, देखते हैं कि कैसे हम अपना सोशल मीडिया पावरफुल करें लिंक्डइन के ऊपर। तो आइए हम जाते हैं सीधे लिंक्डइन पे। सो वी विल गो ऑन लिंक्डइन पे। अगर हम ज्वाइन नाउ पे क्लिक करते हैं, या हम एक काम करते हैं, ज्वाइन नाउ पे क्लिक करके एक डमी नंबर मेरे पास है, पहले उसको ट्राई कर लेते हैं। ओके ग्रेट। सो इस प्रोफाइल को हम करते हैं। प्रतीक, आप अपने एंड पे ये सब करते जाना जो मैं आपको बता रहा हूं।
I am just taking a hypothetical name here for the ease of everyone. Okay. So यहाँ पे मैं नाम एक डमी नाम लेता हूँ ऐसे URABH सौरभ जैन. ओके ये नाम के साथ प्रोफाइल बनाना है हमको. हम आगे बढ़े. अगली चीज जो पूछेगा वो है एंटर द कोड दैट वॉज सेंट ऑन योर मोबाइल. लिंक्डइन की तरफ से आपके मोबाइल पे कोड आएगा वो आपको एंटर करना है. मेरे पास कोड आ गया है 851746. सबमिट. सौरभ जैन के नाम से ये प्रोफाइल क्रिएट हम कर रहे हैं. एक डमी प्रोफाइल है. वी आर जस्ट ट्राइंग टू क्रिएट अ प्रोफाइल सो दैट ईच वन ऑफ यू शुड नो हाउ टू क्रिएट लिंक्डइन प्रोफाइल फ्रॉम स्क्रैच. जिन लोगों की ऑलरेडी बनी हुई है उनको मैं बताऊंगा कहां से शुरुआत करनी है बाकी. बट अभी इसके साथ बने रहिए. कंट्री इंडिया. सिलेक्ट इंडिया. सिटी पुणे. आपको अपनी सिटी डालनी है. नेक्स्ट. मोस्ट रीसेंट जॉब टाइटल. मोस्ट रीसेंट कंपनी. ये उन लोगों के लिए है जो कि प्रोफेशनल हैं. आप लोग चूज करेंगे आई एम अ स्टूडेंट. So we are making this profile as a student. So I am a student. अब सबसे important चीज यहाँ आती है वो है school, college आपको add करनी है, degree add करनी है, specialization add करना है और confirm करना है कि आप 16 के ऊपर है. अब यहाँ सबसे मजेदार बात होती है. हमारे कॉलेज को लेके बहुत से स्टूडेंट को अलग अलग नाम पता है. कुछ लोग इसको बोलते हैं वेदा कॉलेज, कुछ लोग बोलते हैं पाई वेदा कॉलेज, कुछ लोग बोलते हैं पीए इनामदार कॉलेज, कुछ लोग बोलते हैं पीए इनामदार कॉलेज ऑफ विजुअल इफेक्ट डिजाइन एंड आर्ट. अगर आप यहाँ पे ये अलग अलग नाम डालेंगे तो आप हमारे कॉलेज की प्रोफाइल के साथ कभी कनेक्ट नहीं हो पाएंगे और एम्प्लॉयर कभी भी ये वेरीफाई नहीं कर पाएगा कि आप इस कॉलेज के वाकई में स्टूडेंट थे या नहीं थे. अदरवाइज यहाँ पे मैं कुछ भी लिख सकता हूँ मेरे कॉलेज के बारे में या मैं जिस कॉलेज में नहीं पढ़ता हूँ उसका नाम भी लिख सकता हूँ. लेकिन ऐसे में आपको क्या करना है, यू विल हैव टू फाइंड आउट द राइट नेम ऑफ आवर कॉलेज. राइट नेम ऑफ आवर कॉलेज कहां से पता चलेगा? राइट नेम ऑफ द कॉलेज आपको पता चलेगा. मैं आपको एक लिंक बता रहा हूं. ये हमारा लिंक्डइन पेज है. इस लिंक्डइन पेज के ऊपर आप जाएंगे. आप नोट भी कर सकते हैं. जस्ट टाइप कॉलेज ऑफ विजुअल इफेक्ट्स डिजाइन एंड आर्ट या फिर इसको कॉपी कर लें. अगर आप वेदा कॉलेज के एम्प्लॉय हैं आप लोगों को भी अपनी अपनी प्रोफाइल्स इस तरीके से सेट करनी है. आपने इसको कॉपी किया, आप गए आपकी प्रोफाइल पे, यहाँ पे आपने इसको पेस्ट किया, अपने आप कॉलेज ऑफ विजुअल इफेक्ट डिजाइन एंड आर्ट यहाँ आ जाएगा और ये बताएगा देर आर 272 एलिमनीज यू कैन रीच. मतलब ऑलरेडी कॉलेज के 272 एम्प्लॉयज हैं, है ना. यहाँ पे आप टाइप भी कर सकते हैं. आप टाइप करेंगे तो भी आएगा लेकिन बहुत सारे चीजें और भी साथ में सजेशंस देगा. कॉलेज ऑफ विजुअल इफेक्ट्स, ये देखिए कॉलेज ऑफ विजुअल इफेक्ट डिजाइन एंड आर्ट. आपको कॉलेज ऑफ विजुअल इफेक्ट डिजाइन एंड आर्ट चूज करना है. डेजिग्नेशन सॉरी डिग्री. डिग्री आपको लिखनी है BSc MJA. अगर आप आपकी डिग्री कर रहे हैं इस वक्त तो आप BSc MJA लिखेंगे. अगर आप कोई और कोर्स कर रहे हैं, डिप्लोमा कर रहे हैं, सर्टिफिकेट प्रोग्राम कर रहे हैं तो आप उस प्रोग्राम का नाम लिखेंगे. स्पेशलाइजेशन में आप क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे आप ग्राफिक डिजाइन आप लिख सकते हैं अगर आपको स्पेशलाइजेशन इसमें करना है. आप एनिमेशन लिख सकते हैं अगर आपको एनिमेशन करना है. आई वुड सजेस्ट यू टू राइट एनिमेशन बिकॉज इसके अंदर काफी चीजें आ गई. एनिमेशन, इंटरैक्टिव टेक्नोलॉजी, वीडियो ग्राफिक्स, ये सारी प्रोफाइल एक साथ एंड स्पेशल इफेक्ट्स, ये सब इसी के अंदर आ गया. स्पेशलाइजेशन में आप ये लिख सकते हैं या आपको गेमिंग में अपना स्पेशलाइजेशन करना है, गेमिंग से रिलेटेड जॉब्स आपको ज्यादा ढूंढनी है, आप अपना स्पेशलाइजेशन वो लिखिए जिस सेक्टर में आप आज जाना चाहते हैं. यू कैन लेटर ऑन चेंज इट, यू नो, सो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम. बट अभी फिलहाल आप लिख सकते हैं एनिमेशन. हमने एनिमेशन लिखा. आपका स्टार्टिंग ईयर, ईयर आपका क्या रहा, हमने लिखा सपोज आप ग्रेजुएट हो रहे हैं या ग्रेजुएट हो चुके हैं. 2017 से लेके 2020 तक आपका ग्रेजुएशन रहा
या अभी आप कर रहे हैं तो आप एंड ईयर नहीं डालेंगे, सिर्फ स्टार्टिंग ईयर आपका जो भी है, इस साल का, पिछले साल का, उसके पहले वाले साल का, वो डालेंगे और आप आगे बढ़ेंगे. आप, हमने कर दिया, आई एम नॉट अ स्टूडेंट, सो आई एम अ स्टूडेंट, आई विल गो हियर क्विकली एंड कॉलेज ऑफ विजुअल इफेक्ट डिजाइन एंड आर्ट डिग्री बीएससी एमजेए स्पेशलाइजेशन एनिमेशन स्टार्ट ईयर 2017 कंप्लीटिंग 2020 एंड कंटिन्यू. ओके, आर यू लुकिंग फॉर अ न्यू जॉब? वी से राइट नाउ नो. ओके, आपको अभी नो करना है. आपको बाद में ईमेल एड्रेस डालने के लिए कहेगा, वो ईमेल एड्रेस आप डालेंगे. कोई भी आप ईमेल एड्रेसेस यूज हो चुके हैं इस वक्त, इसलिए मैं कोई ईमेल एड्रेस अभी यहाँ पे नहीं डाल रहा हूं, लेकिन आपको अपना ईमेल एड्रेस यहाँ डालना है. वो ईमेल एड्रेस डालने से क्या होगा वो भी मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल के लिए मैं अपना ईमेल एड्रेस नहीं डाल रहा हूं, आपको डाल के आगे चलना है. मैं इसको स्किप कर रहा हूं. स्किप. अब वो मुझे कुछ कनेक्शंस के बारे में बता रहा है, मैं उनको भी अभी स्किप कर रहा हूं. हम ज्यादा जल्दी से जल्दी जाना चाहते हैं हमारी प्रोफाइल पे. तो यहां हम अपनी प्रोफाइल के ऊपर आ गए. एडिंग अ फोटो दैट हेल्प्स पीपल टू रिकॉग्नाइज यू. तो सौरभ जैन का फोटो ऐड करने का समय है. आई विल जस्ट गो ऑन माय कंप्यूटर एंड लेट्स सी. मैंने कुछ डेमो फोटोग्राफ इकट्ठे किए हुए हैं, आपको दिखाते हैं. और कोई भी एक फोटो, फॉर एग्जांपल ये एक डमी स्टूडेंट है, इसका मैंने फोटो लिया. जैसे ही आप अपना फोटो ऐड करेंगे, यहाँ पे आपको अपने फोटो को एडिट करने के कुछ बेसिक ऑप्शंस वो देगा. आप अपना फोटोग्राफ क्रॉप कर सकते हो, फिल्टर कर सकते हो, एडजस्ट कर सकते हो. यहाँ से आप अपनी प्रोफाइल को सेट कर सकते हो, रोटेट कर सकते हो. अगर आप फिल्टर में जाते हो, आपको काफी सारे फिल्टर्स मिलेंगे. आप अपने प्रोफाइल को ग्रे स्केल कर सकते हो, आपकी उसकी टोनल वैल्यूज चेंज कर सकते हो, ब्राइटनेस चेंज कर सकते हो, जो आपको करना है. मैं अभी इसको नेचुरल स्टेट में रखूंगा. एक बात और फोटो के बारे में मैं बताऊं, इस फोटो को ध्यान से देखिए. दो तीन बहुत इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स हैं यहाँ पे नोट करने के. अगर किसी को समझ में आए हों कि ये फोटोग्राफ ही सर ने क्यों चूज किया, एज एन एग्जाम्पल, आप में से कौन है जो बताएगा? आई जस्ट वॉन्ट टू नो कितने लोगों को समझ में आया इस तरह का फोटोग्राफ रखने का रीजन. जस्ट टाइप इन दी चैट बॉक्स, जस्ट टाइप इन दी चैट बॉक्स. वरुण सेज क्योंकि ये प्रोफेशनल लग रहा है. ओके, योगेश सेज फोटो इज प्रोफेशनल, फॉर्मल, फॉर्मल, वेरी गुड. इट्स अ फॉर्मल पिक्चर, इट्स अ फॉर्मल अटायर, फॉर्मल, सुपर, वेरी गुड. आपको समझ में आ गया. एक और एट्रीब्यूट है अगर आपने इस फोटो को ध्यान से देखा हो, इसमें एक और एट्रीब्यूट है. इट इज इंपॉर्टेंट टू लुक स्मार्ट एंड प्रोफेशनल, वेरी गुड. स्मार्ट का मतलब गोरे दिखना नहीं होता, स्मार्ट का मतलब आपकी पर्सनालिटी से है, राइट. ओके, प्रोफेशनल. ओके, पोस्चर समझ में आया. इंसिया कैरी पोस्चर, वेरी गुड. कॉन्फिडेंट है वो बंदा, वरुण से इज कॉन्फिडेंट, अपूर्व. ओके, बैकग्राउंड इज ब्लर, ठीक है, डिसेंट फोटोग्राफ है, डिसेंट. युवराज इज डिसेंट, प्रोबल, डिसेंट, इजी टू अंडरस्टैंड कैंडिडेट. बीजी ब्लर, ओके, ठीक है, बीजी ब्लर होना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है. स्टैंडिंग पोस्चर एंड डिसेंट स्माइल, डिसेंट स्माइल, दैट इज व्हाट आई वाज लुकिंग फॉर. देखिए, मैं किसी को हायर करने वाला हूं. इमेजिन करिए, अगर मैं किसी को हायर करने वाला हूं और ऐसा फोटोग्राफ मेरे सामने आता है जो कि खुद ही रो रहा है, धो रहा है, वो मेरी कंपनी में आके क्या मचाएगा? सिर्फ रोना और क्या मचाएगा? धोना. इसलिए मैं ऐसे फोटोग्राफ को, ऐसे कैंडिडेट को चूज करूंगा जो कम से कम अपनी प्रोफाइल में स्माइल कर रहा हो. वहां से एक पॉजिटिविटी आती है, वहां से एक सेंस बनता है रिलेशन का कि अगर ये कैंडिडेट मेरी कंपनी में आएगा तो यहाँ पे भी स्माइल्स फैलाएगा. इसलिए आपको ध्यान रखना है, अपना प्रोफाइल फोटो आप जो ऐड कर रहे हो वो बहुत डिसेंट फोटोग्राफ हो. आप आर्टिस्ट हो, इसका मतलब सारी आर्ट अपने फोटोग्राफ पे नहीं दिखाना है. कलरफुल बाल हैं,
स्माइली में जब आप अपना सेल्फी लेते हैं तो जिस तरह से आप अपने लिप्स को टर्न करके फोटो लेते हैं, डोंट एड सच काइंड ऑफ फोटोग्राफ इन योर लिंक्डइन प्रोफाइल एटलीस्ट, प्लीज ये सोच के रखिए। अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल को अगर प्रोफेशनल रखना है आपको इस तरह का अटायर अपना रखना पड़ेगा। I am not telling you to wear tie. I am not telling you to wear suit. You can be in formals, normal, but at least be in formal. If you can afford to be into tie and suit just for this photograph, do it. You know, so positive vibes. Varun ne ye ultimately kya hona chahiye? Positive vibes convey hona chahiye. To positive vibes ke liye aap tulsi ka podha mat laga dena apne profile photo pe ki ye mere itni jada positive vibes hain. इस या विंड चाइम लटका दी अपनी प्रोफाइल फोटो की जगह, विंड चाइम लटका दी, नेवर डू दिस थिंग। यू नो आई हैव सीन प्रोफाइल, आई एम नॉट जस्ट क्रैकिंग जोक्स हियर, आई हैव सीन प्रोफाइल्स की ऐसे ऐसे प्रोफाइल फोटोज लगाए जिसको डीकोड करने में कंपनी को रिक्रूट करना पड़ता है लोगों को, यू नो, सो डोंट डू दैट। सेव फोटो, ग्रेट, हमने फोटोग्राफ सेव कर दिया, अब आगे बढ़ते हैं। क्या हुआ, फोटोग्राफ सेव कर दिया, उसके बाद सौरभ जैन स्टूडेंट ऑफ कॉलेज ऑफ विजुअल इफेक्ट डिजाइन एंड आर्ट इंडिया, बहुत बढ़िया, कंटिन्यू पे हमने क्लिक कर दिया। फिर गेट अ लिंक्डइन ऐप, अभी मुझे ऐप नहीं चाहिए मोबाइल के ऊपर, मैंने स्कीप कर दिया, मैं अपनी प्रोफाइल पे आना चाहता हूं। अब यहाँ नीचे देखिए क्या आया, फॉलो कंपनीज दिस दैट, उसने कंपनीज को बताया। अभी मैं किसी कंपनी को फॉलो नहीं करना चाहता, मैं फिनिश करना चाहता हूँ मेरी प्रोफाइल, और ये मेरी बेसिक प्रोफाइल रेडी। वेलकम ऑन लिंक्डइन, यू आर नाउ ऑन लिंक्डइन। और जैसे ही आप लिंक्डइन पे आएंगे आपको काफी सारी चीजें दिखेगी। कुछ स्टूडेंट्स को लिंक्डइन का इंटरफेस कंफर्टेबल नहीं लगता है, ठीक है भाई, कंफर्टेबल तब लगेगा जब आप रेगुलर लिंक्डइन पे जाओगे, फिर इतना कंफर्टेबल लगने लगेगा कि इससे बाहर आने का मन नहीं करेगा। जैसे आज इंस्टा कंफर्टेबल लगता है, फेसबुक कंफर्टेबल लगता है, वैसे धीरे धीरे लिंक्डइन भी कंफर्टेबल लगेगा। आपको समझना है ये ऊपर टॉप बार जो है ये सारी हमारी इंपॉर्टेंट मेन्यूज हैं इसके अंदर, उसके बाद ये जो चीजें हैं ये चेंज होती रहती, जब तक आपकी प्रोफाइल कंप्लीट नहीं होती तब तक ये आएंगी, बाद में चेंज हो जाएगी। उसके बाद लेफ्ट साइड में आपको अपनी प्रोफाइल से रिलेटेड बार दिखाई देगी, बीच में आपको लिंक्डइन की फीड्स दिखाई देंगी जिसको आप फेसबुक वॉल समझ लो, ये फेसबुक वॉल है आपकी। और नीचे नीचे हम चलते हैं, बहुत सारी चीजें हैं, ओके। उसके बाद राइट साइड में मैसेजिंग है, इसका यूज कैसे करना है ये भी मैं बाद में बताऊंगा। अभी समय है अपनी प्रोफाइल को कंप्लीट करने का, हमको लिंक्डइन प्रो बनना है, याद रखिए। लिंक्डइन प्रो बनने के लिए करना क्या है, अपनी प्रोफाइल पे वापस जाएंगे, व्यू प्रोफाइल, यहां देखिए सौरभ जैन दिख रहा है प्रोफाइल में, 1/3 विंडो में बैकग्राउंड भी दिख रहा है, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद अगली चीज जो याद रखनी वो है ये आपका पीछे का कवर। बाय डिफॉल्ट लिंक्डइन आपको एक अच्छा सा प्रोफाइल कवर देता है, लेकिन आप इसको चेंज कर सकते हैं, और आप आर्टिस्ट हैं आपको जरूर करना चाहिए। आप क्या करेंगे, आप यहां पर जाएंगे, कुछ तो लिंक्डइन ने अपनी तरफ से कवर्स दिए हैं आपको, आई वोंट रिकमेंड यू टू चूज दोस कवर्स, रादर आई वुड से गो एंड क्रिएट योर ओन प्रोफाइल कवर। तो सपोज सौरभ जैन आगे चल के एक अच्छे ग्राफिक डिजाइनर बनना चाहते हैं, उनको अपना प्रोफाइल का जो कवर पेज होगा अपना वो कैसा लगाना चाहिए, थोड़ा क्रिएटिव ग्राफिक डिजाइनिंग के हिसाब से सूट होता हुआ मैं यहाँ पे कुछ फोटोग्राफ दिखाता हूँ आपको। हम देखते हैं, ये एक अच्छा फोटो लगा मुझको, इसको मैं लेता हूँ। हालांकि ये लिंक्डइन के जो रेजोल्यूशन है उसके हिसाब से एडजस्टेड नहीं है, आई विल री एडजस्टेड, but I am just going to put this photograph here as a cover photo and apply. Now this looks like, you know, a person who is involved into some planning and this and that. ye aapka ek initial impression create ho gaya recruiters ki taraf. recruiter agar aapki profile pe aayenge usko aapka profile ka cover page dikha, aapka photograph dikha, ab hum aage badhe. अगली चीज, सौरभ जैन को लोग कांटेक्ट कैसे करेंगे, ही हैज टू गो इनटू कांटेक्ट इन्फो। कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन आप एडिट करना शुरू करेंगे, पहली चीज जो आप ऐड करेंगे यहाँ पे ऑप्शन आता है ऐड वेबसाइट, क्या आपकी अपनी वेबसाइट है, नहीं है, आप क्या कर सकते हैं, अगर आपकी वेबसाइट नहीं है आप इस वक्त अपने कॉलेज की वेबसाइट को एड कर सकते हैं,
जिससे एक और ऑथेंटिसिटी आपको मिल जाए कि आप इसी कॉलेज के स्टूडेंट हैं, या आप अपना ब्लॉग ऐड कर सकते हैं, या आप अपना बीहांस पोर्टफोलियो ऐड कर सकते हैं। मैं आपको पहले बोलूंगा, आप पहले कॉलेज को ऐड करें, उसके बाद अगर फिर से आपको और अपना ब्लॉग ऐड करना है, आपको अपना पोर्टफोलियो ऐड करना है, यहाँ पे आप जाएं, अपना बीहांस का जो भी आपका प्रोफाइल है ये आप उस पर ऐड कर दें, अगर नहीं है आप उसको रिमूव कर दें। एक हमने ऐड कर दिया फिलहाल। उसके बाद आगे बात आती है, होम की जगह हम सिलेक्ट करेंगे मोबाइल, मोबाइल नंबर आपको अपना डालना है 08108। यहाँ आपको अपना एड्रेस लिखना है, एड्रेस कई बार आप लिखना चाहेंगे, कई बार नहीं लिखना चाहेंगे, नहीं भी लिखना चाहें एटलीस्ट अपने एरिया का नाम लिखें ताकि लोकेशन बेस्ड सर्च में वो एरिया का नाम काम आए। तो NIBM रोड कोंडवा पुणे, यहाँ पे रहते हैं मिस्टर सौरभ जैन, और उनको अगर अपना ईमेल एड्रेस ऐड करना है, यहाँ से जाके ईमेल एड्रेस ऐड होगा। मैंने आपको बताया मैं उसमें जाऊंगा नहीं क्योंकि वो वेरिफिकेशन करने के लिए बोलेगा। सो यू विल हैव टू ऐड योर ईमेल हियर। उसके बाद बर्थडे, अगर आपको बहुत सारी बर्थडे विशेस चाहिए लिंक्डइन से, बहुत सारे एम्प्लॉयर्स आपको विश कर सकते हैं लिंक्डइन के ऊपर, आपको अपना बर्थडे ऐड करना चाहिए। तो जो भी आपका बर्थडे है आप उसको ऐड करें। अगर आपकी आप इसकी विजिबिलिटी चेंज करना चाहते हैं, ओनली यू योर नेटवर्क और ऑल लिंक्डइन मेंबर्स, वी विल से टू माय नेटवर्क ओनली। अभी हमारा नेटवर्क बनेगा, अभी बना नहीं है, लेकिन मैंने इतनी चीजें ऐड की तो मेरा कॉन्टेक्ट ऐड हो गया। अब किसी को, किसी एम्प्लॉयर को मुझे ढूंढना है, मेरा लिंक्डइन प्रोफाइल है, मेरी वेबसाइट है, मेरा फोन नंबर है, मेरा एड्रेस है, मेरा बर्थडे भी उसके पास है, तो वो ये सारी बेसिक डिटेल्स मेरी यूज कर सकता है मुझे सर्च करने के लिए। यहाँ मेरी प्रोफाइल की स्ट्रेंथ पता चली, क्या स्ट्रेंथ है बिगिनर, क्या स्ट्रेंथ है बिगिनर पता चली, यहाँ पे देखिए दिस इज द स्ट्रेंथ। उसके बाद और भी चीजें ऐड होती जाएगी। कैसे ऐड होगी, यहाँ एजुकेशन, यहाँ देखिए ऊपर ऐड प्रोफाइल सेक्शन, हम इसको ऐड ही नहीं करते हैं। मैंने कितने रिज्यूम्स देखे या लिंक्डइन प्रोफाइल देखी है, सिर्फ दो लाइन, मतलब अब अगर मैं इसको अभी एक्सपोर्ट कर दूं आपके सामने, ये देखिए प्रिपेयर कर दिया और ये मैंने एक्सपोर्ट किया। फिर से मैं आपको जरा स्क्रीन मेरी शेयर करता हूं, let me share my Acrobat screen. Now this is what normally students apply us. और जैसे मैं ये profile देखता हूँ मेरा मन होता है कि मेरी जो building है उसका 9th floor है, वहां से मैं jump लगा दूं, लेकिन आप लोगों के लिए रुक जाता हूँ फिर से, क्योंकि आप में से कुछ लोग होंगे जो अच्छी प्रोफाइल बनाएंगे। अगर ये प्रोफाइल आप देंगे अपने employer को तो क्या होगा उसका और क्या होगा हमारा। सो प्लीज प्लीज अंडरस्टैंड, ये आपकी प्रोफाइल नहीं है, आपको इस चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि ये हमारी प्रोफाइल किसी को हम न भेजें। क्या करना चाहिए उसके लिए, एक बार फिर से हम लोग अपनी स्क्रीन पे चलते हैं। ओके लेट मी शेयर दिस, लेट मी शेयर माय क्रोम अगेन विद यू। ओके तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, हमारी प्रोफाइल को कंप्लीट करेंगे, यहाँ पे कुछ ऐड करेंगे। पहली चीज इंट्रो, इंट्रो में लुकिंग फॉर अ जॉब, आर यू लुकिंग फॉर अ जॉब, यस वी आर लुकिंग फॉर जॉब, फर्स्ट ईयर वी आर नॉट लुकिंग फॉर जॉब, सेकंड ईयर वी आर नॉट लुकिंग फॉर जॉब, दिस ईयर फाइनल ईयर यस यू शुड ऐड, यस आई एम लुकिंग फॉर जॉब, व्हाट काइंड ऑफ जॉब यू आर लुकिंग फॉर, जॉब टाइटल्स आप ऐड कर सकते हैं। So Saurabh Jain is looking for a job of graphic designer. Graphic designer, graphics designer, not specialist, only designer, graphic designer. Graphic designer, अपने आप आएंगे, अगर नहीं आ रहा है तो कहीं ना कहीं आपने कुछ मिस्टेक की है। ग्राफिक डिजाइनर के बाद में वो क्या बन सकता है, उसका मूड है सोशल मीडिया डिजाइनर भी बनने का। सोशल मीडिया देखते हैं क्या क्या चीजें आ रही है, सोशल मीडिया मार्केटिंग, सोशल मीडिया स्ट्रेटेजिस्ट, सोशल मीडिया मैनेजर, कोऑर्डिनेटर, स्पेशलिस्ट, सोशल मीडिया स्पेशलिस्ट या इंटर्न वो बन सकता है, वो उसने उस पर क्लिक कर दिया। उसका आगे ऑब्जेक्टिव है मोशन ग्राफिक्स में जाने का, मोशन ग्राफिक डिजाइनर वो भी बन सकते हैं। एनिमेटर, 3D एनिमेटर बनना है, ओके लेट्स डू, लेट्स सर्च 3D एनिमेटर है क्या,
3D एनिमेटर, वाओ ओके मिल गया मुझे, VFX में जाना है, विजुअल आर्टिस्ट, विजुअल इफेक्ट आर्टिस्ट, ओके, जो जो आपको बनना है, लेकिन एक ही तरफ फील्ड होनी चाहिए आपकी, ग्राफिक मीडिया एनिमेशन का आप कोर्स कर रहे हैं, अगर यहाँ पे आप सेल्समैन लिख देंगे, पोस्ट मास्टर लिख देंगे, डॉक्टर लिख देंगे, तो ठीक नहीं रहेगा आपकी प्रोफाइल। जिस तरह से आपको आगे चल के जॉब्स वैकेंसीज को एनकाउंटर करना है, उस तरह की वैकेंसीज होंगी। जॉब लोकेशंस आपकी क्या होंगी, बाय डिफॉल्ट उस जिस सिटी में आप रहते हो वो सिटी वो ले लेगा, पुणे, लेकिन आपकी जॉब लोकेशन कई बार हो सकता है आपकी ओरिजिनल होम टाउन कुछ और हो, तो आपने सपोज आपकी होम टाउन इंदौर है या आपकी होम टाउन लखनऊ है, तो जॉब लोकेशन आपको अपडेट करना पड़ेगी, बिकॉज लखनऊ इंदौर में जॉब उतनी नहीं है जितनी की पुणे मुंबई बेंगलोर हैदराबाद में है, और आपको रीलोकेशन के लिए तैयार अपने को करना होगा। तो मैंने यहाँ पे ऐड किया मुंबई, मुंबई महाराष्ट्र, ये मेरी प्रेफर्ड लोकेशन है, हैदराबाद ये मेरी प्रेफर्ड लोकेशन है, दिल्ली आई कैन गो नो प्रॉब्लम, यू कैन ऐड योर जॉब लोकेशंस। उसके बाद स्टार्ट डेट, इमीडिएटली आई एम एक्टिवली अप्लाइंग, फ्लेक्सिबल आई एम कैजुअली ब्राउजिंग। समझ में आया डिफरेंस, आपको अभी जॉब चाहिए, अगले कुछ महीनों के अंदर, अगले कुछ दिनों के अंदर आप इसमें इमीडिएट का ऑप्शन लेंगे, अगर आप फ्लेक्सिबल हैं कि आप बाद में जॉब ढूंढ रहे हैं, आप फ्लेक्सिबल का ऑप्शन रखेंगे। तो जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये टिप है, अभी आपको फ्लेक्सिबल का ऑप्शन रखना है, आप इमीडिएटली ज्वाइन नहीं करने वाले, जिन जो पास आउट हो गए वो लोग इमीडिएट का ऑप्शन रखेंगे। अब आगे मैं बात करता हूं जॉब टाइप की, किस तरह की जॉब आप ढूंढ रहे हैं, फुल टाइम, रिमोट, कॉन्ट्रैक्ट, पार्ट टाइम, इंटर्नशिप, टेम्प्रेरी, व्हाट, आप इनमें से किसी भी जॉब के लिए ओपन है, ओके नो प्रॉब्लम, लेकिन आई वुड सजेस्ट यू, अगर आपको अपने ऊपर भरोसा है, ये सारी टाइप कौन सिलेक्ट करता है, जो बोलता है यार कोई भी तो मुझको रिक्रूट कर लो, मैं आई एम रेडी, ऐसे नहीं हो आप, आपको चूज करना है कि आप किस तरीके की जॉब्स को एंटरटेन करोगे। मैं कॉन्ट्रैक्ट को ऐड नहीं करूंगा, पार्ट टाइम आई एम नॉट लुकिंग फॉर, आई एम लुकिंग फॉर अ फुल टाइम जॉब। रिमोट जॉब्स अब ज्यादा बढ़ने वाली है, फुल टाइम रिमोट जॉब्स भी होने वाली है, इसलिए मैं रिमोट जॉब्स को ले लेता हूँ। Temporary job I am not looking for. Student of first year and second year, if you are looking for internships, you can choose this option and you can uncheck all other options. So, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपको क्या करना है? Who can see your profile? Who can see your profile? में share your profile with recruiter and share it with everybody. Share it with everybody में सारी public को पता लग जाएगा, LinkedIn पे जो जो हैं कि आप job ढूंढ रहे हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे लिखते हैं शेयर इट विद रिक्रूटर्स ओनली, तो रिक्रूटर्स को ही पता लगेगा। अब तक किसी को कोई डाउट? कैन वी टेक सम क्वेश्चंस हियर? रिमोट लोकेशन, वर्क फ्रॉम होम, ओके, एनी क्वेश्चन अब तक? या क्लियर है? अगर क्लियर है तो प्रेस सी, ऑल क्लियर, प्रेस सी इफ यू आर क्लियर। अमन से क्लियर, सूचि क्लियर, क्लियर, मीत, वेरी गुड, गुड, सुपर, ग्रेट गाइस, ओके okay, I am a good teacher, I know, thank you, all clear, okay. remote job means वो jobs जो आप घर पे बैठ के कर सकते हो, अपनी location पे, आप कहीं भी हो कोई मतलब नहीं, अमेरिका का काम है लेकिन आप कर रहे हो उसको अपने गांव में बैठ के, अहमदनगर में बैठ के कर रहे हो। अहमदनगर और अमेरिका दोनों आज इंटरनेट के ऊपर एक हो गए, so आप कहीं से भी अपना काम कर रहे हो, that is called remote work. ओके, व्हाट इज इंटर्नशिप? इंटर्नशिप का मतलब ये होता है कि आप टेम्परेरी किसी कंपनी के साथ किसी प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए इंटरेस्टेड हो, जैसे कि आईटीआई करने के बाद लोग अप्रेंटिसशिप करते हैं, थोड़े दिन के लिए किसी कंपनी में काम करते हैं फिर बाहर आ जाते हैं, या किसी प्रोजेक्ट पे काम करते हैं फिर अपने मेन रूटीन पे आ जाते हैं, उसी तरह इंटर्नशिप्स की भी अपॉर्चुनिटी स्टूडेंट्स को मिलती है। ये वेस्ट में बहुत ओपन कल्चर है, स्टूडेंट अपना कोर्स भी करते हैं उसके साथ साथ में इंटर्नशिप्स करते हैं। इंटर्नशिप्स में सैलरी नहीं मिलती है, इंटर्नशिप नॉर्मली या तो फ्री होती है या उसमें स्टाइपेंड मिलता है, स्टाइपेंड 2,000-5,000 होता है, लेकिन इंटर्नशिप करने से आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है, इसलिए इंटर्नशिप्स हर साल कोशिश करनी चाहिए कि हम एक न एक इंटर्नशिप करें। कहाँ करें, कैसे करें, वो मैं बाद में बताऊंगा। आई होप इंटर्नशिप का मतलब समझ में आ गया। टाइम बीइंग किसी प्रोजेक्ट के लिए काम करना, पूर्णेंद्र, इज इट क्लियर?
किसी प्रोजेक्ट पे टाइम बीइंग काम करना किसी कंपनी के साथ, किसी वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ में कम समय के लिए काम करना इज इंटर्नशिप. पूर्णेंद्र, क्लियर हुआ? इफ क्लियर हुआ से यस. ग्रेट, थैंक यू. अब मैं क्या करूंगा, मैंने यहां पे सिलेक्ट किया है शेयर विद रिक्रूटर्स ओनली, वेदा के एम्प्लॉयज. अगर आपको भी कहीं जॉब स्विच करनी है, आप यहां पे शेयर विद रिक्रूटर करेंगे, शेयर विद एवरीवन कर दिया तो मुझे भी पता लग जाएगा और यहां पे एक बैच आ जाता है, आई एम सर्चिंग फॉर द जॉब. ओके, एड प्रोफाइल, नो ऑफेंस. स्टार्ट पोस्टिंग का मतलब एक पोस्ट लिंक्डइन ने आपके लिए बना दी. हाय एवरीवन, आई एम लुकिंग फॉर अ न्यू रोल एंड वुड लाइक टू अप्रिशिएट योर सपोर्ट. कमाल है, मतलब आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है. दिस इज कॉल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग जिसको हम कहते हैं. वो समझ गया कि आपको पहली पोस्ट तो यही करनी होगी कि भाई मुझे जॉब चाहिए, आई एम लुकिंग फॉर योर सपोर्ट, अपॉर्चुनिटीज, एडवाइसेस. आप इसको पोस्ट कर दीजिए और पोस्ट आपके फीड में, आपकी एक्टिविटी में चली गई. और यहाँ पे देखिए क्या आ गया, लिखा हुआ क्या आ गया, किस किस को विजिबल है, प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स इफ यू कैन सी दिस बैज. इफ यू कैन सी दिस बैज, टाइप इन द चैट बॉक्स. ओके, लेट मी सी. वेरी गुड. ओके वरुण, सबको दिख गया. यस, आई कैन सी. गुड. सुमित, योगेश, वंशिका, वेरी गुड. ओपन टू वर्क. यस, तो ओपन टू वर्क हो आप, लेकिन फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के लिए. बाकी लोग आप ओपन टू वर्क अभी नहीं करेंगे, आप अभी ओपन नहीं है, आप अभी अपनी पढ़ाई कर रहे हैं. अब बात करते हैं प्रोफाइल सेक्शन की. हमने इंट्रो हमारा ब्यूटीफुली इंट्रोडक्शन हमने डिजाइन कर दिया. अब बात आती अबाउट की. यहां सबसे ज्यादा हाथी फंसते हैं. हाथी फंसने का मतलब समझते हो क्या है? हाथी छोटी सी जगह से निकलने की कोशिश करता है दो पेड़ों के बीच में से और फंस जाता है. यहाँ पे जब समरी लिखने की बात आती है, हमारे बारे में क्या लिखें, मेरा नाम है सौरभ जैन, मेरा सरनेम है जैन, मेरा नाम है सौरभ, मेरे डैडी का नाम था दर्शन, मेरे मम्मी का नाम था रेणुका. नो, दिस इज नॉट द समरी. अच्छा ठीक है, तो फिर मैं हिंदी मीडियम से पढ़ाऊं, मैं इंग्लिश मीडियम से पढ़ाऊं? नो, दिस इज नॉट द समरी. तो क्या लिखें, हेलो रिक्रूटर्स, हाउ आर यू? नो, दिस इज नॉट द समरी. समरी इज व्हाट यू वांट टू टेल टू योर रिक्रूटर, आपकी अपनी स्टोरी. एक बात आप सब लोग ध्यान रखो, आप क्रिएटिव फील्ड में हो, आपकी पूरी जिंदगी एक वर्ड के आसपास घूमती है. उसका नाम क्या है, उस एक वर्ड का नाम क्या है मुझे बताओ. फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर, फैकल्टीज, आई एम आस्किंग टू यू ऑल. हमारी, हम एनिमेटर्स की, क्रिएटिव प्रोफेशनल्स की जो लाइफ है, जिस एक वर्ड के आसपास घूमती, वो एक वर्ड क्या है? देखो कितने सारे वर्ड आ गए, आर्टिस्ट, क्रिएटिविटी, आर्टिस्ट, क्रिएटिविटी. ओके, क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी के आसपास घूम रही है. ओके, आर्ट, क्रिएटिविटी. और ढूंढो, और छोटा वर्ड है, और छोटा वर्ड है. क्रिएटिविटी भी नहीं, बींग यूनिक, आर्ट, स्किल. ओके, और छोटा वर्ड है, क्रिएटिव, क्रिएटिव. ओके, हम सब की जर्नी जिस एक वर्ड के आसपास घूम रही है वो है स्टोरी, STORY. ऑलवेज रिमेंबर, हम सब की लाइफ जिस एक, चाहे आप ग्राफिक डिजाइनर बनो, चाहे आप वेब डिजाइनर बनो, UI/UX आर्टिस्ट बनो, मोशन ग्राफिक आर्टिस्ट बनो, आप एनिमेटर बनो, विजुअल इफेक्ट आर्टिस्ट बनो, आपकी लाइफ की एक स्टोरी बनने वाली है. क्या बनने वाली? एक एनिमेटर, एक डिजाइनर ग्राफिक डिजाइनर से अलग होगा, एक ग्राफिक डिजाइनर एक VFX आर्टिस्ट से अलग होगा, एक रिगर एक 2D एनिमेटर से अलग होगा, लेकिन इन शॉर्ट वो सभी लोगों की लाइफ क्या हो रही है, लाइफ में एक स्टोरी बन रही है, उनकी अपनी प्रोफेशनल स्टोरी. तो हम सब क्या है, विजुअल स्टोरी टेलर्स. नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स, अगर इन शॉर्ट दो लाइन में अपने आप को बताना है, आपका इंट्रोडक्शन है, आप हैं विजुअल स्टोरी टेलर. इस दुनिया में सबसे पुरानी परंपरा अगर कोई आपसे पूछे तो क्या है, कहानी कहना. कहानी कहना तब शुरू हुआ था जब इंसान ने बोलने का, जब लैंग्वेज का इन्वेंशन नहीं हुआ था, तब भी लोग कहानी कहते थे. कैसे कहानी कहते थे,
कौन बताएगा? जब बोलने अभी शुरू नहीं हुआ था उसके पहले हमने कहानी कहना शुरू कर दिया था। कैसे कहानी कहना शुरू किया कौन बताएगा? वेरी गुड, योगेश कहते विजुअल साइन, अमन कहते ड्रॉइंग, ध्रुव एक्शंस, वेरी गुड वेरी गुड। इशारों की भाषा नहीं होती है, वेरी गुड। वॉल पेंटिंग, केव पेंटिंग, वाओ, सबसे ज्यादा पुराना आर्ट जो इस दुनिया का है, 40 मिलियन ईयर्स अगो, मतलब इतना पुराना आर्ट आज भी देखा जा सकता है, वो है केव पेंटिंग। और केव पेंटिंग में क्या होता है, लेट्स गो एंड सी सम केव पेंटिंग, ताकि हम अपनी स्टोरी को ठीक से समझ सके। देखो इतनी डिटेल में मैं इसलिए जा रहा हूं ताकि आप अपनी स्टोरी ठीक से समझ सके। केव पेंटिंग्स की बात करते हैं, गूगल पे जाते हैं और इमेजेस को जाके ढूंढते हैं, व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट इज हैपनिंग। ये एक पेंटिंग है, इसमें यहां सामने ये पेंटिंग है आपको अगर दिख रही है तो यहां पे मुझे बताइए इस पेंटिंग में क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग इन दिस पेंटिंग। Is this just a painting or there is some story being told through that? How many of you can catch a story? They are expressing their stories using medium. What is the story, guys? Ye wali painting ko dekhiye. What is the story? This is the cave painting. कितने साल पुरानी पेंटिंग है? 20,000 साल पुरानी, 20,000 साल से भी पुरानी पेंटिंग है। और इस पेंटिंग में एक स्टोरी कही गई है, इस पेंटिंग में स्टोरी है एनिमल हंटिंग की। प्रॉबल ने बिल्कुल सही पकड़ा, एनिमल्स का शिकार हम आज से 20,000 साल पहले कैसे करते थे, ये लोग जो आज नहीं है आज से 20,000 साल पहले थे, वो हमें एक कहानी सुना गए, उस कहानी से वो बता गए कि हम कैसे एनिमल हंटिंग करते थे। दैट इज व्हाट इज द पावर ऑफ विजुअल स्टोरी। 20,000 साल पहले अगर ये कागज पे, कागज तो था नहीं, कागज नहीं था तो चमड़े के ऊपर लिखते तो क्या वो चमड़ा आज तक टिकता था? नहीं टिकता। कहीं पत्थरों पे लिखते पत्थर टूट जाते, लेकिन पेंटिंग करके चले गए और बता गए आपको कि ये भी स्टोरी टेलिंग का एक ओल्डेस्ट मीडियम था। हमें अपनी स्टोरीज ही रिक्रूटर्स को सुनानी है। हमारी कौन सी स्टोरी अब रिक्रूटर को सुनानी है, क्वेश्चन ये आता है, स्टोरी कौन सी अच्छी होती है, कौन सी स्टोरीज अच्छी होती है? इसका आंसर मैं खुद देता हूं, वो स्टोरीज अच्छी होती है जो लोगों को पसंद आए। जो मुझे पसंद आए वो स्टोरी अच्छी नहीं है, जो लोगों को पसंद आए। तो आपको यहां पर अगर आपकी फॉर्मल स्टोरी बनानी है तो आपको कौन सी स्टोरी बनानी जो कि आपके एम्प्लॉयर्स को पसंद आए। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं यहां पे कैसे आप अपनी स्टोरी बनाते हैं, कहां गलती होती है। मैं यहां पे लिखता हूं हेलो मायसेल्फ सौरभ जैन, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ PAI College of Veda. I am a student of BSc MJA and want to become graphic designer. Okay, this is what I am looking for. Maine isko save kar diya. इस स्टोरी को बनाने के बाद में इसने तो मुझे ग्रेट प्रोग्रेस बोल दिया लिंक्डइन ने, क्योंकि उसके हिसाब से मैंने कुछ ऐड कर दिया है, लेकिन क्या मेरी ये स्टोरी लोगों को अपील करेगी? ये स्टोरी यहां आ गई, मायसेल्फ सौरभ जैन, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ पाई कॉलेज ऑफ वेदा, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ BSc एंड वॉन्ट टू बिकम अ ग्राफिक डिजाइनर। यू आर अ रिक्रूटर, इफ यू आर कमिंग अक्रॉस दिस स्टोरी, आर यू गोइंग टू get any impression out of it? Is this going to impress you? You say no. Aman says no. Harshal says no. Yogesh, no. Varun, no. No. It's boring, Insia says. Yes, it is boring. Who wants to know who you are, where you are studying, what is your course? I am not interested. I am looking for a graphic designer. I am looking for a candidate who can come and work with me. I am not interested in all this bhashanbaji.
आई डोंट थिंक सो, प्रगल्प सेज यस। तो क्या हो रहा है, उसने अपनी कहानी कह दी लेकिन उसने ये नहीं सोचा कि मेरी ये कहानी दूसरे को अपील करेगी कि नहीं। अब मैं बात करता हूं उन स्टूडेंट की जो कि वेदा के स्मार्ट स्टूडेंट है, जो कि इस लिंक्डइन प्रो वर्कशॉप को अटेंड करके अपनी स्टोरी बना रहे हैं। रिशल सेज आल्सो ऑल ऑफ दिस इंफॉर्मेशन इज ऑलरेडी अवेलेबल इन द प्रोफाइल एल्सवेयर। पता है यहाँ पे उसको दिख रहा है वेदा के स्टूडेंट हो, नाम सौरभ जैन है, जॉब ग्राफिक डिजाइनिंग का ढूंढ रहे हो, दिस इज नॉट योर स्टोरी। So what a Veda student will do now, so he will write his own creative story. I am just giving you some clues. I have made some clues for you. I am going to forward this to you. Agar aapko writing ki help lagti hai, you can come back to us. Pehla version. This version is good for students who are completing BSc or completed BSc. Yahan se maine isko uthaya. I am just putting it here in my स्टोरी प्रोफाइल। और यहां पे हम पढ़ने की कोशिश करते हैं क्या कह रहा है अब सौरभ। अब वो कह रहा है अ मीडिया एंड एनिमेशन ग्रेजुएट कंप्लीटेड बीएससी मीडिया ग्राफिक्स एंड एनिमेशन अ 3-year हार्ड कोर इंटेंसिव यूनिवर्सिटी प्रोग्राम एंड आई कैन सर्व एज एन एंट्री लेवल डिजाइनर फॉर the areas of corporate identity, logo design, motion graphic design. I have a passion for learning new things and to explore the possibilities with smart work. Believe in dedication and team spirit. Wow. Saurabh ke baare mein hume kya pata laga yahan se? Saurabh ke baare mein pata lag gaya, wo graduate hai. उसने BSc कंप्लीट किया, ये भी उसने बातों बातों में कह दिया कि ये हार्ड कोर इंटेंसिव 3 साल का यूनिवर्सिटी प्रोग्राम था, मैंने सिर्फ 6 महीने का कोई कोर्स नहीं किया है। उसके बाद वो कह रहा है कि आई कैन सर्व एज एन एंट्री लेवल डिजाइनर, उसने पहले ही बता दिया एंट्री लेवल डिजाइनर, डोंट एक्सपेक्ट मी टू वर्क लाइक अ प्रोफेशनल, आई एम एन एंट्री लेवल डिजाइनर एंड I can work in the area of corporate identity, logo design, motion graphic design. I have a passion for learning new things. I want to explore the possibilities with smart work. I believe in dedication and team spirit. आप समझ रहे हो क्या हुआ? आपने employees को, आपने अपने employer को ये signal दिए कि आप किस तरह की personality से हो, किस तरह की personality possess करते हो। अब अगला फिर से देखते हैं, नया version for the fresher ones. First years, second years, short-term students, a media and animation enthusiast learning passionately about art and creativity, exploring new media, design trends and tools to widen my perspective, open to help my juniors and non-profits. Wow! फर्स्ट ईयर में होके आपकी ये बातें हैं, आपकी ये सोच है कि आप ओपन हो अपने जूनियर्स को जो बाद में आएंगे उनको हेल्प करने के लिए, और ऑल्सो नॉन प्रॉफिट्स को, मैं छोटा मोटा जो भी डिजाइन कर सकूं नॉन प्रॉफिट्स ऑर्गेनाइजेशन के लिए, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के लिए, समाज की जो सेवा कर रहे हैं मैं उनके लिए कुछ करना चाहता हूँ। लुकिंग फॉर इंडस्ट्री गाइडेंस कनेक्शंस एंड गेटिंग इंस्पायर्ड फ्रॉम देम। वाओ। Now you are not looking for job. This is not a profile for a person who is looking for job. This is a profile for a LinkedIn pro who is targeting LinkedIn in the first year and second year to grow his network, to grow his connection, to get in touch with more and more people, those who are into the area of design, animation and AVGC industry. Kya lagta hai guys? Ye dono profiles aapne dekhi. एक फ्रेशर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के लिए और एक फाइनल ईयर के स्टूडेंट के लिए। अब आपको समझ में आया, सिर्फ 4 लाइन में हमने अपनी स्टोरी को अलग तरीके से रखा। आई एम नॉट टेलिंग यू टू कॉपी एन एसे अबाउट यू, जस्ट बी लिटिल क्रिएटिव, जस्ट गिव द सिग्नल फॉर द पीपल व्हाट दे आर सर्चिंग फॉर। दे आर सर्चिंग फॉर अ पर्सन हु इज रेडी टू एक्सप्लोर न्यू मीडिया, हु इज रेडी टू एक्सप्लोर डिजाइन ट्रेंड, हु इज रेडी टू वाइडन द पर्सपेक्टिव। वाओ, पर्सपेक्टिव ही वाइडन नहीं होता लोगों का। जूनियर्स हैं, जूनियर के लिए हेल्प करना चाहता है, नॉन प्रॉफिट्स के लिए काम करना चाहता है। नाउ दिस इज अ राइट गाय फॉर माय कंपनी, बिकॉज़ इसके अंदर वो सब कुछ है जिसको थोड़ा पॉलिश किया तो ही बिकम अ सुपरस्टार एंड आई विल सेव दिस प्रोफाइल फॉर सौरभ जैन। नाउ ही इज डन। समझ में आया? हाउ मेनी ऑफ यू आर क्लियर अबाउट राइटिंग द स्टोरी, राइटिंग द आर्ट ऑफ प्रोफेशनल स्टोरी? योगेश सेज
less and explicit. Wow. Team spirit is really helpful. Wow. ठीक है. What you took from it? What you took? Varun says, I am ready. Yes, Varun. यही करना है बेटा. Changes करने हैं हमारी style में, हमारी thinking में. Got it perfectly, Devyani says. Okay. आपको ये नहीं लिखना है कि मैं क्या हूं. आपको ये लिखना है कि मैं आपकी क्या problem solve कर सकता हूं. और मैं आपको बताऊंगा अपनी profiles को दिखा के भी कि मैंने उसको किस तरीके से लिखा है. आपको भी आज मैंने एक छोटा सा क्लू दिया. आई एम गोइंग टू पुट ऑल दिस इन योर व्हाट्सएप ग्रुप. इसमें से कुछ लाइंस आप ले सकते हो, कुछ आप अपनी तरफ से बना सकते हो. अगर फिर भी डाउट है बनाने के बाद, तो बिफोर पब्लिशिंग इट यू कैन सेंड दिस टू मी ऑन व्हाट्सएप. आई विल चेक योर स्टोरीज एंड आई विल गिव यू ग्रीन सिग्नल. ओके. बी यूनिक. प्रतीक सेज बी यूनिक, बी स्मार्ट एंड बी मैग्नेट. दिस इज ऑल अबाउट बीइंग मैग्नेट. यस सूची, वेरी वेल अंडरस्टूड. ग्रेट ग्रेट गाइस. तो अगर आपको समझ में आ गया तो मेरा स्टोरी के ऊपर बात करना सफल हो गया. यही मैं आपको बताना चाहता था कि कैसे अपनी प्रोफेशनल स्टोरी बनाई जाए. अब आगे देखिए, हमारी लाइन थोड़ी सी और आगे बढ़ गई है. हम बिगिनर से हम आ गए इंटरमीडिएट लेवल तक. हमको स्टार्स भी मिलने लगे. हमें यहां तक पहुंचना है. धीरे धीरे पहुंचेंगे. कैसे पहुंचेंगे मैं आपको बताऊंगा. अब अगली बात आई हमारी फीचर्ड. फीचर को हम छोड़ देंगे. फीचर क्या होता है समझ लेंगे. फीचर का मतलब है अगर हमने अभी कुछ पोस्ट लिंक्डइन पे डालना शुरू की है, कुछ हमने आर्टिकल्स पब्लिश किए हैं, या कुछ हमारी लिंक्स हैं, कुछ हमारा मीडिया है, तो हम ये सारी चीजें फीचर्ड में डालेंगे. आपकी स्टोरी होगी, आप जरूर उसको मीडिया में डालेंगे. मैं आपको बताऊंगा उसको डालने का सही तरीका क्या है. बैकग्राउंड की बात करते हैं. बैकग्राउंड में क्या क्या आता है. वर्क एक्सपीरियंस, एजुकेशन, लाइसेंस एंड सर्टिफिकेशन एंड वॉलंटियर एक्सपीरियंस. वर्क एक्सपीरियंस छोड़ देंगे. हमारे पास कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं है. हम शुरुआत करेंगे एजुकेशन से. एजुकेशन की बात हम करेंगे. सबसे पहले हमने एक एजुकेशन हमारी ऑलरेडी एड की हुई है. हम सीधे उसको एडिट करने से अपनी शुरुआत कर सकते हैं. यहाँ पे आपको अपना कॉलेज का नाम देना है, डिग्री का नाम देना है, फील्ड देना है. अगर आप ग्रेजुएट हो चुके हो तो आपको अपनी ग्रेड लिखना है. अगर आप ग्रेजुएट नहीं हो तो आपको अपनी ग्रेड इस वक्त नहीं लिखना है. जब आप ग्रेजुएट हो जाओगे तो आपका परसेंटेज या ग्रेड जो भी बनेगा. लेकिन अगली चीज है एक्टिविटीज एंड सोसाइटीज, और उसके नीचे है डिस्क्रिप्शन. अगर आप ये नहीं लिखोगे तो लिंक्डइन आपको कुछ नहीं बोलेगा. लेकिन आपके पास ये ऐसा है कि आपके पास खूब सारे हीरे लूटने के लिए थे और आप अपना रुमाल लेके गए थे उन हीरों को इकट्ठा करने के लिए. अब आप सोचिए रुमाल के अंदर, आप हैंकरचीफ के अंदर कितने हीरे लेके जाओगे, चादर लेके जाओ यार. आपको लिंक्डइन ने इतनी चीजें दी है बताने के लिए और आप बता नहीं रहे. आप बोल रहे हो मैं क्या लिखूं. अब सौरभ जैन, क्योंकि वेदा स्टूडेंट है, वो गया उसके ऊपर. उसने यहां देखा कि एक्टिविटीज एंड सोसाइटीज, उसने कॉपी की चीज. अपनी प्रोफाइल पहले वर्ड के अंदर बना लो, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स भी ठीक हो जाएंगी. उसके बाद आप आओ इसमें और इसको हम क्लोज कर देते हैं. विल गो हियर और यहां एक्टिविटीज एंड सोसाइटीज. वाव. ही वाज अ टीम मेंबर ऑफ प्री प्रोडक्शन फिल्म ऑफ एक अनेक और एकता. आई एम जस्ट गिविंग यू अ क्लू. लास्ट ईयर जो बच्चे थे जिन्होंने फिल्म पे काम किया है, जिस फिल्म पे काम किया है, put your name as a team member of whatever team you were. Pre-production mein the, production mein the, post-production mein the, dalo. Participated in poster making competition. Ye kiya tha ki nahi kiya tha. Jhoot nahi likhna hai, galat nahi likhna hai. Jo bhi kiya hua, I'm just giving you an example. Participated in animation film festival. Aap college mein the, kya aapne Pune film festival mein participate kiya hai? Jo film bana raha tha, us sab ne participate kiya hai. Isliye aap likh sakte ho. Participated in drawing and designing competitions. क्या आपने participate किया था, नहीं किया था, आप करो, करने लग जाओ. क्यों करने लग जाओ, क्योंकि ये activities और societies में आपको लिखना पड़ेगा. अगर आप किसी club के member हो, आप यहाँ पे लिख सकते हो. अगर आप basketball खेलते थे, volleyball खेलते थे, अपने college में, college की sports team में थे, please write description about your journey of the college. 3 साल आप उस कॉलेज में पढ़े, क्या आपके पास 4 लाइनें बोलने के लिए नहीं है उस कॉलेज के बारे में, अपने बारे में, अपने एक्सपीरियंस के बारे में. यहां आपका आएगा एक छोटा सा स्टोरी. फिर से एक छोटा सा स्टोरी. आइए फिर से आते हैं डिस्क्रिप्शन में. गए डिस्क्रिप्शन में, डाला डिस्क्रिप्शन को, पढ़ा. As a creative aspirant, I was always willing to do animation and media course. Yes, तभी तो एडमिशन लिया था.
This 3 year were the most important period of my life. I learned so much from the college, not just technical skills, but soft skills too. Please add this line in your description. Whatever you are writing, आगे पीछे मुझे कोई मतलब नहीं, लेकिन ये line आप जरूर लिखिए कि मैंने टेक्निकल स्किल के साथ सॉफ्ट स्किल्स भी मुझे मिली. और सॉफ्ट स्किल्स आर मच मोर इम्पॉर्टेंट. एम्प्लॉयर्स आर हंटिंग फॉर पीपल दोज हु आर गुड विद देयर सॉफ्ट स्किल्स. तो सॉफ्ट स्किल्स क्या होती वो भी मैं आपको बताऊंगा. बात करने की कला, नेटवर्क बनाने की कला, टीम बिल्डिंग का आर्ट, नेगोशिएशन का आर्ट, ये सारा सॉफ्ट स्किल में आता है. ऑफिस एटिकेट्स सॉफ्ट स्किल्स में आते हैं. रेगुलर गेस्ट सेशन हुए, फ्रीक्वेंट इंडस्ट्री इंटरेक्शन हुआ, एंड दैट गिव मी कॉन्फिडेंस टू बी एन एसेट फॉर एनी एवीजीसी कंपनी. अब आप थोड़ा सा एक अनेक और एकता या जो आपने फिल्म की है या जो प्रोजेक्ट किया उसके बारे में लिखें. वर्कड एज ए स्टोरी बोर्ड आर्टिस्ट, वॉट एवर आपने किया कॉलेज फिल्म प्रोजेक्ट में, वेल अवेयर ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ आर्टिस्ट एंड प्रोडक्शन टाइमलाइन, गॉट अ चांस टू लर्न टीम स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड जनरेटिंग फ्रेश आइडियाज वाइल वर्किंग for various college projects. Now see how many hints you are giving, what kind of shape you are giving to your recruiters, employers. Aapne wo sab kar liya, sab likh diya jo unko chahiye. Team skills wo dhoond rahe hain, aise log jo ki team mein kaam karna jante ho. Aapne kaam kiya hai guys, pura saal aapne kaam kiya, aap likho. प्रॉब्लम सॉल्विंग, आपने कितनी प्रॉब्लम्स आई थी प्रोजेक्ट्स बनाने में, फिल्म बनाने में, कितनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया. आप प्रॉब्लम सॉल्विंग पे एक घंटे का लेक्चर दे सकते हो अपनी फिल्म से रिलेटेड. जनरेटिंग फ्रेश आइडियाज, आपने नए आइडियाज उस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए जनरेट किए. लिखो लिखो, मेरा ये कहना है. आप लिखते नहीं हो. अब हमने क्या किया, इसको सेव करके शेयर कर दिया, शेयर ऑन अवर नेटवर्क. ये देखो कहां एक लाइन थी, कहां एक अच्छा खासा पैराग्राफ हमारे पास रेडी हो गया. This is the secret. LinkedIn profile बढ़ती जा रही है. वापस मैं गया प्लस के ऊपर. मेरा स्कूल का एजुकेशन, अगर आप 12th पास करके आए हो आप लिखो. मैं 10th की नहीं बोल रहा, मैं 8th की नहीं बोल रहा, लेकिन अगर आपने 12th किया है जिस जूनियर कॉलेज से आप लिखो. दिल्ली पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, ओके नो प्रॉब्लम. अगर आपकी स्कूल का नाम मिलता है ठीक है, नहीं मिलता है डोंट वरी, जस्ट राइट. और क्या किया आपने, आपका जूनियर कॉलेज किया. मैं जूनियर कॉलेज को कॉपी करूंगा. आई एम जस्ट पुटिंग इन माय जूनियर कॉलेज. फील्ड ऑफ स्टडी मेरा क्या था, पीसीएम था स्टार्टिंग ईयर. अब मैं 2017 में अगर कॉलेज में था तो मैं 2016 में स्कूल में होऊंगा, मतलब जूनियर कॉलेज में होऊंगा, यू नो 2016-17 में. और मेरी ग्रेड यहाँ पे, अगर मेरी ग्रेड अच्छी है, ए ग्रेड है, मैं लिखूंगा. नहीं है, मैं नहीं लिखूंगा. इतना भी ज्यादा ईमानदार नहीं बनना है कि सी ग्रेड है या डी ग्रेड है या ग्रेड ही नहीं बनी है तो भी लिखे जा रहे हैं कि यू नो लेस देन डी, ऐसा भी मत कर देना. ओके तो अगर ए ग्रेड है लिखो, नहीं है मत लिखो. ऐसा भी मत करना कि डी ग्रेड है तो ए ग्रेड लिख रहे हैं. ओके इफ यू हैव अ गुड ग्रेड लिखिए, ए ग्रेड है लिखिए, ए प्लस है लिखिए, नहीं है मत लिखिए कुछ भी. एक्टिविटीज एंड सोसाइटीज, एक्टिविटीज एंड सोसाइटीज में गया, स्टेट लेवल बास्केटबॉल चैंपियन, रिप्रेजेंटेड कॉलेज टीम, वाह यही तो चाहिए. तो ये एक्टिविटीज और सोसाइटीज में आ गया. उसके बाद डिस्क्रिप्शन, आई हैव बीन अ क्यूरियस स्टूडेंट इन माई स्कूल, वॉन्टेड टू गो इन टू एनिमेशन एंड डिजाइन, एंड देयर फोर फ्रॉम अ वेरी स्कूल डेज आई वॉज डूइंग आर्ट एंड सॉफ्टवेयर बेस्ड एनिमेशन. ये तो बंदा हार्ड हिटर है, ये उसने लिख दिया सारा. अब क्या हुआ, सेव कर दिया. ये देखिए वन मोर एजुकेशन आ गया, एजुकेशन. बस इसके नीचे एजुकेशन में नहीं जाना है, इसके ऊपर जरूर जाना है. उसके ऊपर कैसे जाएंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे, पीएचडी करेंगे, ये सब करेंगे तो जाएंगे, नहीं तो फिर क्या करना है मैं बताता हूं आगे. यहां आप गए एजुकेशन के नीचे आए आप लाइसेंस एंड सर्टिफिकेशन. लाइसेंस एंड सर्टिफिकेशन इज योर की टू निगोशिएट विद द एम्प्लॉयर. जितने ज्यादा सर्टिफिकेशन उतना ज्यादा पैसा. ऑलवेज रिमेम्बर, नोट डाउन दिस लाइन, जितने ज्यादा सर्टिफिकेशन उतना ज्यादा रिस्पेक्ट, उतना ज्यादा पैसा मार्केट में. एक ग्राफिक डिजाइनर 5,000 कमाता है, एक ग्राफिक डिजाइनर विद अडोबी सर्टिफिकेशन 15,000 कमाता है, एक ग्राफिक डिजाइनर विद अडोबी सर्टिफिकेशन बीएससी डिग्री एंड ऑटोडेस्क सर्टिफिकेशन 25,000 कमाता है. जितने ज्यादा सर्टिफिकेट उतना ज्यादा पैसा. प्लीज रन बिहाइंड सर्टिफिकेट, प्लीज इन्वेस्ट योरसेल्फ इनटू सर्टिफिकेट.
जो लोग नहीं कर रहे हैं वो आगे चल के बहुत लॉस में रहने वाले हैं, मैं अभी से आपको बता रहा हूं। मैंने लिखा यहाँ पे सौरभ जैन अडोबी सर्टिफाइड एसोसिएट, अडोबी सर्टिफाइड एसोसिएट, वाओ, लिंक्डइन को भी पता है कितनी बड़ी स्किल है, इसलिए लिख दिया उसने अडोबी सर्टिफाइड ACA। इशुइंग ऑर्गेनाइजेशन कौन है? अडोबी, वाओ। और यहाँ पे इशू की डेट हमने लिख दी, हमने इसको किया था सपोज मार्च में 2020 में किया था, जो भी इसकी एक्सपायरी होगी से अगले साल मार्च 2021 या 22। यहाँ पे आपको अपना क्रीडेंशियल आईडी लिखना है, क्रीडेंशियल आईडी जो उसके अडोबी के वेरिफिकेशन के ऊपर होता है वो डालना है, और यहाँ आपकी URL डालनी है। अभी फिलहाल के लिए मैं ये दोनों चीजें छोड़ देता हूँ और मैं सेव एंड एड अनादर करता हूं। अब मैं गया ऊपर, अब मैंने लिखा अडोबी सर्टिफाइड एसोसिएट की जगह पे ऑटोडेस्क सर्टिफाइड यूजर, वाह, ऑटोडेस्क, लेट सर्च ऑटोडेस्क, 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 वाह। ये कब किया? ये किया मैंने जुलाई में 2020 में, और ये अगले साल जनवरी में एक्सपायर होगा 2022 में। ओके, एंड सेव। नाउ सी व्हाट इज हैपनिंग, यहां पे दो लाइसेंसेस एंड सर्टिफिकेशंस के टैब आ गए, और हम आपको कितने सर्टिफिकेशंस करने के लिए कहते हैं? फर्स्ट ईयर, किसको याद है? मेरी काउंसलिंग में इंडक्शन प्रोग्राम में बोला गया था, किस किस को याद है चैट पे लिख के बताओ, बीएससी कोर्स में कितने सर्टिफिकेशंस हैं? सिक्स, ओके, प्रगल्भ सिक्स, हर्ष सिक्स, मयूरेश, प्रबल, योगेश, वंशिका, ग्रेट, वाव। जो लोग सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर में हैं, गाइस वेर आर यू, हाउ मेनी सर्टिफिकेशंस यू हैव क्लियर्ड, लिखिए जितने सर्टिफिकेट, तीन बार आपने, दो बार अडोबी सर्टिफिकेशन क्लियर किए हैं, आपने फोटोशॉप क्लियर करना है, इलस्ट्रेटर क्लियर करना है, सेकेंड ईयर में प्रीमियर क्लियर करना है, आफ्टर इफेक्ट क्लियर है, चार अडोबी सर्टिफिकेशंस, चार ऐड करो। निखिल खोसला, क्लैप फॉर निखिल, वन क्लियर्ड, वाओ। निखिल कौन सा, अडोबी या ऑटोडेस्क? अडोबी, सुपर, वेरी गुड, फोटोशॉप, ग्रेट। देवयानी राठौर, अडोबी इलस्ट्रेटर क्लियर, जैसन वन क्लियर, जैसन कौन सा, टाइप द सर्टिफिकेशन नेम, अडोबी फोटोशॉप, सुपर। सो गाइस कीप एडिंग, आपके पास छह सर्टिफिकेशन होने चाहिए, तो ये आपको ऐड करते रहना है अपनी प्रोफाइल में, ये आप अपनी प्रोफाइल में ऐड करेंगे और आपकी प्रोफाइल कनेक्ट हो जाएगी सीधे अडोबी के साथ। अडोबी सर्टिफाइड कोई ढूंढ रहा होगा, आपकी प्रोफाइल दिखनी चाहिए। ऑटोडेस्क सर्टिफाइड यूजर कोई ढूंढ रहा होगा, आपकी प्रोफाइल दिखनी चाहिए। शांतनु सेस, अडोबी इलस्ट्रेटर, सुपर, ग्रेट, वेरी हैप्पी गाइस। सदफ, अडोबी फोटोशॉप, ग्रेट। तो अब आपको समझ में आ गया, क्लियर, कैसे आपको स्किल्स ऐड करनी है, लाइसेंस एंड सर्टिफिकेशन ऐड करने हैं। किसी को कोई डाउट, लाइसेंस एंड सर्टिफिकेशन, ऑल क्लियर? अब अगली बात करते हैं, वॉलेंटियर एक्सपीरियंस। देखिए ये एक नया ट्रेंड है जो वेस्ट से आया है, लेकिन अब इंडिया में पॉपुलर हो रहा है। हर कंपनी चाहती है कि उसके पास एक ऐसा बंदा आए जो सोशल हो, सोशल का मतलब सेल्फिश ना हो, समाज के लिए कुछ कर रहा हो, देश के लिए कुछ कर रहा हो। ऐसे में अगर आप स्टूडेंट लाइफ में अपना वॉलंटियर एक्सपीरियंस ऐड करते हैं कि आपने किसी भी कंपनी के लिए, किसी भी एनजीओ के लिए, यहाँ पे ए से लेके जेड तक में हजारों एनजीओज आएंगे जिसकी लिस्ट आएगी, और अगर आपके पास ये कोई भी एनजीओज नहीं है, रेड क्रॉस आपके पास में नहीं है, रेड क्रॉस नहीं है आपके पास में, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी नहीं है, आपने ब्लड बैंक में वॉलंटियरशिप की है, आपने हेल्थ सेक्टर के किसी एनजीओ में किया है, कुछ नहीं तो आनंद वन में आके पेड़ लगाए हैं। हाँ लगाए सर, ये तो आप जबरदस्ती ले जाते थे हमको और करवाते, हमारा मन नहीं होता था जाने का, लेकिन आप लोगों ने कंपल्सरी किया था आनंद वन में जाना। क्यों किया था, क्या रीजन था, ये आज बताने को मिल रहा है। दो साल हो गए, दो साल के बाद आज बताने को मिल रहा है,
यहाँ पे आपको वॉलेंटियरशिप का एक्सपीरियंस देने के लिए आनंद वन मित्र मंडल रोल, आप यहाँ पे अवेयरनेस बिल्डर या इन्वायरमेंट स्पेशलिस्ट, हेल्थ केयर इंजीनियर, कंसल्टेंट, कुछ भी, यू नो, कॉज इन्वायरमेंट, आई एम करंटली वर्किंग, या कौन से साल में किया था उसके बारे में दो लाइन एंड सेव. वाओ, यू हैव आल्सो वॉलंटियर्ड मिस्टर सौरभ जैन, वाओ दैट्स अ गुड थिंग. कहाँ थे आप? आनंदवन. क्या किया था सर? प्लांटेशन किया. वाओ, हर साल करते थे? यस सर, कम से कम 10-12 प्लांट्स तो मैं हर साल लगाता. दिस इज व्हाट कंपनीज आर लुकिंग फॉर. और ये जब आपसे हम करवाते हैं, पीएमसी के ड्राइवर को हमने रक्षाबंधन पे राखी बंधवाई थी, बाद में पता चला स्टूडेंट ने बोला यार कॉलेज वाले क्या कर रहे हैं, हमारे को रक्षाबंधन करवाते राखी बंधवा रहे हैं ड्राइवर्स को, आज कोरोना वॉरियर करके पूरा देश उनके पीछे पड़ा है, हाथ जोड़ रहा है, प्लेटफॉर्म्स पे बुला रहा है. हमने उसके पहले आपसे करवा दिया वो सारा कुछ, लेकिन आपको उसकी वैल्यू कहाँ समझ में आएगी? यहाँ समझ में आएगी. जब आप ये वॉलंटियर एक्सपीरियंस करोगे, आपको पता नहीं एक पर्सन विद द सेम प्रोफाइल हैविंग जीरो एक्सपीरियंस ऑफ वॉलंटियरशिप एंड हैविंग 6 years ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ वॉलंटियरशिप इनटू एनी रिकॉग्नाइज्ड एनजीओ, उसकी सैलरी में हो सकता है वो एक प्लस पॉइंट हो जाए. इस पेड़ लगाने की वजह से अगर आपकी सैलरी में 5,000 रुपए का फायदा होता है तो क्या बुरी डील है बॉस? थिंक फॉर योर सेल्फ फर्स्ट. आई टोटली अग्री, बट थिंक फॉर योर सेल्फ में अगर नेचर भी आ जाए, हेल्थ भी आ जाए, एजुकेशन भी आ जाए, तो ऐसे वॉलंटियरशिप क्या तो क्या मजे हैं. पेंटिंग ब्रिज पिलर्स, वाओ, प्रियंका मैडम ने बताया हमने हड़पसर के ब्रिज के नीचे की पेंटिंग की है, उसके वीडियोस हैं हमारे पास में. ये आपके पास में एक्सपीरियंस है वॉलंटियरशिप का. गिव फॉर पुणे में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया बॉस, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड. पूरे देश को वेदा के स्टूडेंट्स और आजम कैंपस के स्टूडेंट ने प्राउड फील करवाया जब हमने एक दिन में 2,97,000 क्लोथ्स इकट्ठे करके डिस्ट्रीब्यूट कर दिए. गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड. नाउ दिस इज द वॉलंटियर एक्सपीरियंस यू शुड राइट. और ये इस उम्र में अचीव कर लेना बहुत बड़ी बात है. आपको ये मैं बता दूं, इसका इंपैक्ट होगा. सो प्लीज अंडरस्टैंड वॉलंटियर एक्सपीरियंस, सर्च वॉलंटियर अपॉर्चुनिटीज, बी इनटू देम. लगता कुछ नहीं है, हफ्ते में एक दिन का काम, लेकिन लाइफ टाइम के लिए वो आपको फायदा देगा. ओके, सो वॉलंटियर्स. उसके बाद आती है बात स्किल्स की. अब स्किल्स में देखते हैं कि आपको क्या ऐड करना है. देखिए यहाँ पे बहुत सारे, लिंक्डइन इज अ यू नो बुके ऑफ स्किल. आपको यहाँ क्या ऐड करना है जो आपसे रिलेटेड स्किल है जब आप फर्स्ट ईयर में, और इसको धीरे धीरे बढ़ाते जाइए. फर्स्ट ईयर स्टूडेंट अभी सिर्फ वो चीजें ऐड करेंगे जो फर्स्ट ईयर में सीख रहे हैं. सेकंड ईयर वाले फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की स्किल्स ऐड करेंगे. फाइनल ईयर वाले तीनों सालों की स्किल्स ऐड करेंगे. मैं दिखाता हूं आपको. हमने ऐड किया पहली चीज अडोबी फोटोशॉप. ढूंढना है कि नहीं है? हाँ है, तो ऐड कर दिया अडोबी फोटोशॉप. के बाद अडोबी इलस्ट्रेटर है, ऐड कर दिया. अच्छा, खाली इलस्ट्रेटर फोटोशॉप मत लिखना, ये इससे आएगा नहीं. हाँ, कंपनी के नाम के साथ अडोबी इन डिजाइन, फिर से अडोबी. अगर आप सेकेंड ईयर तक पहुंच गए, अच्छा अभी फर्स्ट ईयर में ही है, और क्या क्या आ सकता है? टाइपोग्राफी देखते हैं. टाइपोग्राफी है क्या? टाइपोग्राफी क्या? वाओ, टाइपोग्राफी हमारी यूनिवर्सिटी ने सोच समझ के कोर्स बनाया है. टाइपोग्राफी है, फोटोग्राफी, वाओ, फोटोग्राफी, 3D एनिमेशन, ऑटोडेस्क, माया, 3D मैक्स, ऐड करते चलिए अपनी स्किल्स को. और जितने जितने चीजें आप ऐड कर सकते हो, आप 50 तक लगभग स्किल्स कर सकते हो. 43 मोर स्किल्स यू कैन ऐड. अच्छा, इसमें थोड़ी बहुत आप क्या कर लीजिए, सॉफ्ट स्किल्स भी ऐड कर लीजिए. सॉफ्ट स्किल्स में क्या आएगा? प्रेजेंटेशन स्किल्स आ गई. वाओ, प्रेजेंटेशन स्किल तो है. और कम्युनिकेशन स्किल्स, हिंदी हो मराठी हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कम्युनिकेशन स्किल्स है हमारे पास. कम्युनिकेशन स्किल्स, पब्लिक स्पीकिंग, यस.
आपने स्वेट बॉक्सिंग अटेंड की है, आप पब्लिक स्पीकिंग को ऐड करो अपने इसमें, इंटरपर्सनल स्किल आपस में मिलके काम कर रहे हो वो करो, टीम स्किल्स, टीम लीडरशिप, टीम बिल्डिंग, वाओ, आप ऐड करते जा रहे हो, आपका नेटवर्क बढ़ता जा रहा है, आपको पता भी नहीं। एक कीवर्ड ऐड करने का मतलब है हजारों ऐसे जॉब्स तक अपनी अप्रोच बढ़ा देना जहां पे इन स्किल्स की जरूरत है। मैंने जाके कर दिया ऐड, ओहो चलो इधर, और इसको मैं बंद करता हूं। यहां पे देखिए हम और करीब पहुंच गए। अब यहां हमारी स्किल्स को देखिए, ये हमारी स्किल्स आ गई, और इन स्किल्स में गाइज आपको टेक अ स्किल क्विज ये भी मौका देता है लिंक्डइन। आपको छोटा सा 20-25 मिनट 30 मिनट का आपको टेस्ट अटेम्प्ट करना है। अगर आप टेस्ट पास होते हो, एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन रहेंगे, यू गेट अ बैज फ्रॉम लिंक्डइन। करो यार, कितने सर्टिफिकेशंस, कितने बैजेस, आपके पास ढेर हो जाना चाहिए कॉलेज के दिनों में बैचेस का। तो ये आपको करना है, ऐड न्यू स्किल। जब जब सेकेंड ईयर में पहुंच जाओगे फिर से ऐड करो नई स्किल, फाइनल ईयर में पहुंच जाओगे और ऐड करो स्किल्स, कीप एडिंग योर स्किल्स हियर, और फिर देखो क्या होता है, फिर इन स्किल्स के बेसिस पे कैसे जॉब आप तक पुल होके आती। जॉब मैग्नेट बनो ना, अपनी प्रोफाइल ही एक लाइन की लिखोगे तो कौन सा मैग्नेट बनेगा, क्या आएगा आपके पास। अब उसके बाद है अकम्प्लिशमेंट। अकम्प्लिशमेंट में तो ढेर चीजें हैं, पब्लिकेशन, पेटेंट्स, कोर्सेज, प्रोजेक्ट्स, ऑनर्स एंड अवार्ड्स। मैं आपको जो बताऊंगा वो है दो चीजें जो आपको करना है, एक तो है प्रोजेक्ट्स और ऑनर्स एंड अवार्ड। प्रोजेक्ट्स कौन से हैं? प्रोजेक्ट वो जो आप ऐड करोगे अपने साथ, अपने अपने कॉलेज के दिनों में जो प्रोजेक्ट आप कर रहे हो। कौन कौन से प्रोजेक्ट आप कर रहे हो? आप कर रहे हो एनिमेशन फिल्म बनाने का प्रोजेक्ट, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, अपने प्रोजेक्ट का नाम दोगे, जिस भी प्रोजेक्ट में आप काम कर रहे हो प्रोजेक्ट नेम, एक, अनेक और एकता, ठीक है। और ये क्या था? ये था एनिमेशन शॉर्ट फिल्म। और आपने इसमें क्या काम किया? आपने इसमें काम किया एज अ एनिमेटर, एनिमेटर और एक अनेक और एकता एनिमेशन शॉर्ट फिल्म। अब स्टार्ट डेट क्या थी हमारी? अगस्त में हमने वो प्रोजेक्ट शुरू किया 2019 में। ओके, मैं ढूंढता हूँ, वेर इज 2019, दिस इज 2019, एंड डेट अगस्त और मार्च। मार्च में हमारा हुआ था कलोत्सव, मार्च 2020, वेर इज 20, 2040 आ गया, ओके, ये रहा 2020, ओके, और एसोसिएटेड विद, जब मैं कॉलेज में था तब किया था मैंने कॉलेज के साथ एसोसिएट। प्रोजेक्ट यूआरएल आप यूट्यूब पे जाओगे, यूट्यूब पे जाके आप क्या करोगे, यूट्यूब पे आप लिखोगे एक अनेक और एकता या वेदा कॉलेज, ढूंढो वेदा कॉलेज में जाके आप प्लेलिस्ट में चले जाओ, प्लेलिस्ट, प्लेलिस्ट में मूवीज, और मूवीज में आप सर्च करो एक अनेक और एकता, दिस इज द मूवी एक अनेक और एकता। मैंने ये कॉपी किया पूरा के पूरा यूआरएल, और मैं आया अपनी लिंक्डइन पे, यहाँ पे मैंने प्रोजेक्ट यूआरएल दे दिया। प्रोजेक्ट यूआरएल के बाद छोटा सा डिस्क्रिप्शन मैंने लिख दिया एक अनेक और एकता में मेरा क्या रोल था, आई वॉज देयर एज अ लीड एनिमेटर और एज अ 3D एनिमेटर in the movie worked right from concepts to final scenes and loved this journey as a student you have little you know freedom. ye main to nahi likhunga lekin aap log likh sakte ho, loved this journey, had lot of fun, hai na, you can don't be so serious here. to theek hai, हमने ये लिखा, ये हमारे प्रोजेक्ट में ऐड हो गया। मैंने एक प्रोजेक्ट भी किया है, वाओ, उसके अलावा मैंने किसी और छोटे प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट किया था कॉलेज के, मैं वो भी लिखूं। जो कुछ आपने किया था, जो कुछ अच्छा है दिखाने लायक है, कीप एडिंग योर प्रोजेक्ट। फैकल्टीज, आप लोगों को रिक्वेस्ट है, यू आर प्रोफेसर्स, आपने सारी फिल्म्स में काम किया है, सात सात प्रोजेक्ट होने चाहिए आपके पास, ऐड कर दो यहाँ सारे प्रोजेक्ट्स आपके, ऐड करो आपकी अकम्प्लिशमेंट, ऐड करते चलो। और क्या करना है देखो, एड प्रोफाइल सेक्शन,
आपको उसके बाद अवार्ड्स मिले, छोटे छोटे अवार्ड, वाओ, बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द मंथ, किसमें? अटेंडेंस, वाओ, अटेंडेंस में बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द मंथ मिल गया, ग्रेट। कहाँ मिला? कॉलेज में, ओके। इशूअर कौन था? वेदा कॉलेज मैनेजमेंट। इशू डेट क्या थी? फरवरी में मिला या जुलाई में मिला? जुलाई 2020 में मिला। क्यों मिला? उस मंथ का नाम लिख के सेव कर दिया। अब मुझे एक बात बताओ, इससे एम्प्लॉयर को कोई फर्क पड़ने वाला है? इससे कोई फर्क पड़ेगा अगर मैं लिखता हूं मैं बेस्ट अटेंडेंस मेरी रही? क्या बात कर रहे हो? यस यस यस, ओके। कितने लोग बोल रहे हैं यस या नो? नो भी हो सकता है बॉस। पंक्चुअलिटी पता चलती, वाओ, दैट शोज एम्प्लॉयर दैट द एम्प्लॉय इज ऑलवेज देयर, डिसिप्लिन। हाँ, अकम्प्लिशमेंट है बॉस, ये बहुत बड़ी अकम्प्लिशमेंट है। इमेजिन करो ऐसे एक साल में 5-6 सर्टिफिकेट मिल गए, मतलब आपने प्रूव कर दिया कि हाउ सिंसियर यू आर। छुट्टी कभी लोगे नहीं, बाद में लोगे भी तो वो तो बात की बात है, देखा जाएगा। लेकिन आज तो लिंक्डइन प्रोफाइल देख के समझ में आ रहा है कि यार ये बंदा तो अपने कॉलेज डेज से ही, इसको तो अवार्ड मिले हैं बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द मंथ, या इसको तो अवार्ड मिला है बेस्ट परफॉर्मेंस इन एकेडमिक्स। कितने बच्चों को मैंने देखा है जब हम उनको ये सर्टिफिकेशन की बात करते हैं या उनको ये कहते हैं कि बॉस आओ, वी विल गिव यू दिस सर्टिफिकेट, दिस बैच, दे डोंट केयर। कम ऑन, हु इज इन लॉस गाइस? आई जस्ट वांट टू नो फ्रॉम यू, हु इज इन लॉस? मुझे फर्क पड़ेगा एक सर्टिफिकेट आपको देने से? मेरी जॉब में कुछ फर्क पड़ेगा? आपके प्रोफेसर्स की जॉब में फर्क पड़ेगा? नो, कीप अटेंडिंग। आप अटेंड करोगे, आपके ऑनर्स बढ़ेंगे, आपके बैजेस बढ़ेंगे, रिवॉर्ड बढ़ेंगे, एक एक चीज का आपके एम्प्लॉयमेंट के साथ असर है। लिंक्डइन पागल नहीं है, अगर आपकी प्रोफाइल बनवा रहा है और आपको यहाँ पे बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द मंथ लिखने के लिए परमिशन दे रहा है तो लिंक्डइन ने सोच समझ के ये चीजें बनाई है। योगेश इज नो वन एट लॉस, no, I don't agree, because जो lazy है वो loss में है। Lazy is what? Lazy is always in loss. Train छूट गई, सोया रह गया, lazy in loss. Flight छूट गई, late पहुंचा, lazy in loss. Girlfriend चली गई, lazy in loss. I am just giving you idea. You know, please understand this. आपको अपने end पे ये सारी चीजों को collect करना है, इकट्ठा करना है, and then you will be seen as, you know, a performer. मैंने बोला था, you have to become a pro. नहीं pro बनना है, इतनी सी बातें करो जितनी मैंने छोटी मोटी चीजें बताई वो करके खत्म कर दो। अगर pro बनना है, इन सब चीजों को add करो। उसके बाद languages, language add करो boss. Multi language लोगों को ढूंढ रहे हैं companies वाले, जिसको हिंदी मराठी इंग्लिश आती है, wow, हिंदी मराठी इंग्लिश गुजराती, wow, हिंदी मराठी इंग्लिश फ्रेंच, awesome. हिंदी मराठी इंग्लिश फ्रेंच रशियन, वाओ, यू नो, तो यू राइट, आपने जो किया है। अभी मैं लिखता हूं यहाँ पे सौरभ जैन के लिए, इंग्लिश, वाओ, इंग्लिश आती है इसको, इंग्लिश चूज करी उसने, और यहाँ पे वो चार चीजें बता रहे हैं, पांच चीजें, क्या? एलिमेंट्री प्रोफिशिएंसी, लिमिटेड वर्किंग प्रोफिशियंसी, प्रोफेशनल प्रोफिशियंसी, फुल प्रोफिशियंसी, या नेटिव या बायलिंगुअल। तो मैं बोलता हूँ यार, इंग्लिश में मैं प्रोफेशनली काम कर सकता हूँ, मेरी वर्किंग प्रोफिशिएंसी इंग्लिश की अच्छी है। या कोई कहता नहीं है अच्छी, तो आप करो लिमिटेड वर्किंग प्रोफिशिएंसी, ठीक है, देयर इज नो हार्म, झूठ बोलना नहीं है बिल्कुल, याद रखना। तो हमने इसको ऐड कर दिया लैंग्वेज में। अगर उसके बाद हमारी, हमको एक और लैंग्वेज आती है, हमको मराठी आती है, हमको हिंदी आती है, हमको गुजराती आती है, आई विल गो अगेन और मैं लिखता हूँ हिंदी, हिंदी मेरा नेटिव लैंग्वेज है, वाओ, यू नो, हिंदी native or bilingual proficiency. I can add this. I can add another section, languages, Marathi. Marathi, I can say, you know, limited working proficiency, okay. I can add Gujarati,
आपको जो लैंग्वेजेस आती हैं, यू नो मैं क्या लिख रहा हूं उससे फर्क नहीं पड़ता, आपको जो लैंग्वेजेस आती हैं यहाँ आप लिखो उनको, रेट करते चलो, रेट करने के साथ में यहाँ पॉइंटर्स बढ़ते चले जाएंगे जितना आपको आता है, और आपका रिज्यूमे भी बढ़ता चला जाएगा। अब उसके बाद बात आती है किस चीज की, उसके बाद एडिशनल इंफॉर्मेशन की बात आती है। एडिशनल इंफॉर्मेशन का मतलब है रिक्वेस्ट और रिकमेंडेशन। ये क्या होता है बॉस, ये मैं आपसे पूछ रहा हूं, रिकमेंडेशन, किसी से अपने बारे में रिकमेंडेशन लेना, इंप्लॉई रिकमेंड किया है उसको, उसके कॉलेज के प्रोफेसर ने रिकमेंड किया है उसको, उसके कॉलेज के प्रिंसिपल ने रिकमेंड किया है उसको, उसके सेक्टर के डिजाइनर्स ने, सीईओज ने रिकमेंड किया है, आप समझ लो आप, आपकी तो हो गई चांदी, आपको ये पता लगना चाहिए। लेकिन रिकमेंडेशन का मतलब हाथ जोड़ के कटोरा लेके खड़े होना नहीं है कि सर रिकमेंडेशन दो। रिकमेंडेशन का मतलब ये है कि आप जिसको ये रिक्वेस्ट भेजो उसको भी प्राउड फील हो आपको रिकमेंड करने में। Always remember, recommendation is not begged, it is earned. समझ में आई क्या बोला? लिखो सब लोग, recommendation is what? Not to be begged, but to be earned. कमाना पड़ती है recommendations. तो आपको recommendations कमानी है, और एक बार आप recommendations कमाओगे तो उसका क्या magic होगा वो भी मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। तो इस तरीके से आपकी रिकमेंडेशंस हो गई, आपकी प्रोफाइल बन गई। अब रिकमेंडेशन कब मिलेगी? जब कनेक्शन बनेंगे। तो कनेक्शन कैसे बनाना है वो मैं बता देता हूं। अब ये करने के बाद बात आती है, यहाँ पे एक ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है इस प्रोफाइल को, ये जो कुछ आपने करा है इसको आप पीडीएफ में सेव करना, और दूसरा ऑप्शन है इसका रिज्यूम बनाना। पहले हम पीडीएफ में हमारी प्रोफाइल को सेव करते हैं, देखिए क्या होता है, क्या होता है देखते हैं। मैं फिर से आपको पीडीएफ स्क्रीन पर लेके जाऊंगा, तो मैं अनशेयर करके और फिर से रीशेयर करता हूं। शेयर स्क्रीन, ठीक है, मेरी स्क्रीन दिख रही है? अगर दिख रही है तो वन प्रेस कीजिए। इफ यू कैन सी दिस पीडीएफ स्क्रीन, प्रेस वन। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, ओके युवराज, प्रबल, मयूरेश, सुपर सुपर, ठीक है। तो देखा क्या हुआ यहाँ पे, युवराज, मयूरेश, प्रबल, वंशिका, देखो क्या हो रहा है, प्रोफाइल बढ़ गई। प्रोफाइल जो थी पहले यहां तक आती थी, इस लाइन तक, अब वो पूरी वन पेजर प्रॉपर प्रोफाइल विद अ सिस्टम। आपको अपना इस तरह का रिज्यूम बनाने में फोटोशॉप पे आधा घंटा लगता है, लिंक्डइन ने आपको 2 मिनट के अंदर ये प्रोफाइल एक्सपोर्ट करके दे दी। आपका एड्रेस है, आपका फोन नंबर है, लिंक्डइन प्रोफाइल है, वेबसाइट है, ईमेल आप ऐड कर दोगे तो यहाँ ईमेल आ जाएगा, टॉप स्किल्स आ जाएगी, लैंग्वेजेस आ जाएगी, सर्टिफिकेशन आ जाएंगे, ऑनर्स एंड अवार्ड्स आ जाएंगे, और इसके साथ आ जाएगा जॉब करने के लिए इन्विटेशन। सुपर। अब बात करते हैं, ये पहले थी ना सौरभ जैन की, ये देखो, ये है सौरभ जैन पहले वाला और ये है सौरभ जैन अभी वाला। कौन सा सौरभ जैन पसंद है? ये वन है, ये टू है, किसको रिक्रूट करोगे? ऑब्वियसली सर, क्या बात कर रहे हो, टू को ही करेंगे, पहले में तो कुछ है ही नहीं देखने के लिए, क्या उसको रिक्रूट करेंगे, क्या पढ़ाई करेंगे। अब बात करते हैं कि अगर हम उसका रिज्यूमे बनाते तो कैसे बनाते। अब सौरभ जैन को कॉल आया अचानक से, रात को 10 बजे ऋषि सर का फोन आया, और मैं कभी कभी ऐसा करता हूँ इवनिंग्स में फोन कर देता हूँ बच्चों को जस्ट टू सरप्राइज देम। तो इवनिंग में फोन आया, और इवनिंग में मैंने कहा कि सौरभ एक कंपनी है और उनको चाहिए ग्राफिक डिजाइनर, और आप जो है जल्दी से जल्दी आप अपना रिज्यूम मुझको भेजो। अब देखो क्या क्या होता है। अब सौरभ जैन के पास 5 मिनट थे, उसने कहा सर आपका फोन रखने के पहले रिज्यूम भेज दूंगा। मैंने कहा यार कैसे भेजोगे सौरभ, कब बनाओगे? सर बना हुआ है। कहाँ बना हुआ है? यहाँ बना हुआ है, बिल्ड अ रिज्यूम है। सर किस प्रोफाइल के लिए, किस प्रोफाइल के लिए जाना है? ओके, ग्राफिक डिजाइनिंग, ओके सर नो प्रॉब्लम, ग्राफिक डिजाइनर, ग्राफिक डिजाइनर अप्लाई एंड दिस इज द रिज्यूम रेडी। अब यहां आप उसका करके देख लो प्रीव्यू, दिस इज योर रिज्यूमे। वाओ,
कितनी देर का काम गाइस, काउंट दी सेकेंड्स एंड बाद में डाउनलोड एज पीडीएफ एंड योर रिज्यूमे इज डाउनलोडेड, उठा के व्हाट्सएप खत्म. दिस इज द ऑप्शन, क्रिएट रिज्यूम. क्लियर? हाउ टू एक्सपोर्ट योर प्रोफाइल, हाउ टू एक्सपोर्ट योर रिज्यूमे. एम आई क्लियर? जो दिखता है वही बिकता है. शाबाश, क्या बात कही है बॉस. जो दिखता है वही बिकता है, और जो दिखाना है वो कैसा दिखाना है, ऑथेंटिक दिखाना है तभी बिकेगा. बाद में आजकल क्या होता है, जो बिकने के बाद में भी लोग क्या कर देते हैं, रिफंड कर देते हैं. पुनेंद्र करा, दिस इज ग्रेट, वेरी प्रोफेशनल. आग लग गई, क्या बात है, गुड. आग दिमाग में लगनी चाहिए गाइज. यही तो चीजें थी जो हम लोग मिस कर रहे थे. हम सब कर रहे हैं, दिन रात पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन पढ़ाई करने के बाद भी 5,000 की जॉब के लिए हमको इनवाइट कर रहे हैं. यू नो 2,000 की जॉब के लिए लोग बोल रहे हैं फ्री में आके काम करो. दिस इज नॉट, वी आर नॉट फॉर ऑल दिस बुलशिट. आपको क्या करना है, आपको जॉब खींचनी है. जो चाहोगे वैसी जॉब आपके पास आएगी. आप सामने वाले को खाली इतना बोलो, सर मेरा लिंक्डइन प्रोफाइल पहले चेक कर लो, आप उसके बाद मुझसे बात करो. आपको पता लग जाएगा कि मैं किस लेवल पे काम कर रहा हूं. यू नो सो प्लीज चेक. और बड़ी विनम्रता से, नहीं तो ये भी एरोगेंसी नहीं आनी चाहिए कि ओ हम तो 30 मार्क हो गए, अब आप हमारा लिंक्डइन चेक करके बात करो. नो, विद ड्यू हम्बल, यू नो विद ड्यू रिस्पेक्ट आपको ये बात करनी कि सर प्लीज गो थ्रू माय लिंक्डइन प्रोफाइल वंस, यू विल हैव द क्लियर आइडिया अबाउट माय स्किल्स, माय कैपेसिटी, और इफ यू वांट आई कैन फॉरवर्ड यू माय लिंक्डइन प्रोफाइल. यू नो, तो अब मैं आपको जो बात बता रहा हूं वो इस लिंक्डइन प्रोफाइल का आखिरी हिस्सा है. इस आज की वर्कशॉप का आखिरी हिस्से में सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये तो आपने अभी अपनी प्रोफाइल रेडी की है. क्या किया है, अभी आपने अपनी प्रोफाइल रेडी की है. इसमें जो मैं आपको एक और चीज बता रहा था ना बीच में, मीडिया, यहाँ पे फीचर्ड में जो मीडिया और लिंक्स हैं, तो ये लिंक्स और मीडिया में आप अपना शोरील ऐड कर सकते हो. जो जो भी आपकी शोरील बनाई है, आप यहाँ पे अपना फोटोग्राफ, डॉक्यूमेंट, वीडियोस, प्रेजेंटेशन, आपको सबको मैंने बोला है कीप ओपनिंग योर, कीप पोस्टिंग योर आर्टवर्क ऑन बिहांस के ऊपर. आप सब लोग अपनी अपनी प्रोफाइल बनाइए. प्रतीक सेज लुक लाइक दिस गाय पुट सो मच एफर्ट इन ओनली इन रिज्यूमे, सो ही इज टोटली अप फॉर द जॉब. यस, पता लगता है यार कि काम किया है बंदे ने, खाली फॉर्मेलिटी के लिए नहीं भेज दिया. मेरे पास रिज्यूम आएगा, मुझे खुशी होगी कि मैंने रात को जिसको फोन किया उसने सिंसियरली मेरे मेरे कॉल के ऊपर एक्शन ली, राइट? तो यहाँ पे आप अपना पोर्टफोलियो का लिंक ऐड करो. अगर आपके पास बिहांस है, लिंक्डइन है, आप उसको ऐड करके, और फिर यहाँ पे ये ऐड का बटन है, आप उसको ऐड कर दो, तो आपके रिज्यूम के साथ में आपका पोर्टफोलियो भी लिंक हो गया. अब जो असली चीज है, ये तो अभी तक हमने अपनी प्रोफाइल के ऊपर आग लगाई, अब क्या करना है, अगला काम नेटवर्क बढ़ाना है. लिंक्डइन किसके लिए, लिंक्डइन आपस में लिंक होना है. लिंक होके ही तो जो एक्सपीरियंस है वो बढ़ेगा, लोगों तक हमारी बातें पहुंचेगी. तो क्या करना है, अभी अभी इंपॉर्टेंट चीज देखो, माय नेटवर्क. अभी मेरे नेटवर्क में कोई है क्या बॉस? देयर इज नो वन इन माय नेटवर्क, बिकॉज अभी तक मैंने अपना नेटवर्क ग्रो नहीं किया. अभी तो मैं अपनी प्रोफाइल बढ़ा रहा था. यहाँ पे क्या क्या है, कनेक्शंस, कॉन्टेक्ट, पीपल हु फॉलो मी, ग्रुप्स, इवेंट्स, पेजेस, हैशटैग. तो मुझे क्या करना है, कैसे मैं अपना नेटवर्क बढ़ाऊँ? सबसे पहला तरीका अपना नेटवर्क बढ़ाने का ये है कि आप अपना जीमेल का कनेक्शन इसके साथ लिंक कर दो. कौन सा जीमेल, आपका पर्सनल जीमेल लिंक करो, या उसके साथ वेदा का भी यहाँ पे लिंक कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो वहां से वो कुछ कॉन्टेक्ट एक्सपोर्ट कर लेगा. जिन जिन के मेल आए हुए हैं, अगर वो लोग आपके लिंक्डइन पे उनकी प्रोफाइल है, तो वो यहाँ पे अपने आप आने लगेंगे, या आपने जो कॉलेज का नाम डाला है उस कॉलेज के नाम से भी आपके पास आने लगेंगे. तो आपको सबसे पहले क्या करना है, लोगों को ढूंढना यहाँ शुरू करना है. किसी को भी अगर आपको ढूंढना है, किसी भी कंपनी को, आई वुड सजेस्ट स्टार्ट विद कंपनीज, नॉट पीपल, स्टार्ट विद कंपनीज. तो पूना की कुछ अच्छी कंपनीज के नाम बताओ जिनको हम सर्च करें यहाँ पे. फॉर एग्जाम्पल, एक बहुत अच्छी एनिमेशन कंपनी है फिल्म CGI, एनिमेशन एंड VFX की बहुत बढ़िया कंपनी. देखो फिल्म CGI, इसको ढूंढा. अब मैं क्या करूंगा, मैं इन कंपनीज को फॉलो करना शुरू करूंगा. मैं क्या करूंगा, ये कंपनी का पेज मिला, इस कंपनी के पेज पे क्या है, देखो 148 एम्प्लॉयज हैं लिंक्डइन के ऊपर इस कंपनी के,
और मैं इसको यहाँ पे क्लिक कर दूंगा फॉलो के ऊपर, और मैं फॉलो पे जैसे क्लिक करूंगा एक मैजिक हुआ। क्या मैजिक हुआ देखो, क्या मैजिक हुआ अपने आप, हु विल गेस दिस मैजिक, क्या हुआ नीचे यहाँ पे देखो क्या हुआ, ये कहाँ से आ गए 88 पिक्चर्स, एनी ब्रेन, असेंबलेज, ये इंडिया के टॉप स्टूडियोज हैं भाई, ये तो पूना के टॉप स्टूडियोज में है, ये कहाँ से आ गए, इनको तो ढूंढा नहीं था। सिमिलर कंपनीज, योगेश से सिमिलर कंपनी सर, वाओ, रिकमेंडेशंस फ्रॉम लिंक्डइन, यस एग्जैक्टली, रिकमेंडेशन बाय लिंक्डइन, क्योंकि उसको पता लग गया कि आप एनिमेशन से रिलेटेड कुछ कंपनीज को ढूंढ रहे हो, या आपका पहला फॉलो है, तो उसने आपको और कंपनीज दे दी। तो मैं एनीब्रेन को अलग से ओपन करूंगा, असेंबलेज को अलग ओपन कर लेता हूं, मैं यहां से भी सीधे फॉलो कर सकता हूं, लेकिन मुझे तो मेरा नेटवर्क बढ़ाना है, तो मैं क्या करूंगा और कंपनीज को ढूंढना है, तो मैं यहां जाऊंगा, यहां पे जाके उनके पेजेस, और ये देखूंगा ये फिल्म सीजीआई का, ये एनीब्रेन का है, एनीब्रेन का पेज ओपन हुआ, एनीब्रेन को जैसे ही फॉलो किया और कंपनीज आ गई, डीएनजीसी, मूविंग पिक्चर्स, मेथड स्टूडियोज, फ्रेम स्टोर, टेक्निकलर, यही तो जाना है बॉस लाइफ में, यही तो करना है, इन्हीं लोगों से तो मिलना है, तो क्या करना है, बस एक के बाद दूसरी कंपनीज को फॉलो करो, फॉलो करो, फॉलो, रीडिफाइन, रेड चिलीज, लीजेंड, और जैसे जैसे जिन जिन कंपनीज को आप फॉलो करोगे, फॉलो करने से क्या होगा पता है, क्या होगा फॉलो करने से इन कंपनीज ने जो कुछ इन कंपनीज ने नया पोस्ट लिंक्डइन पे किया वो आपको दिखेगा। और ये कंपनीज किस तरह की पोस्ट करती हैं लिंक्डइन पे, सर शेरो शायरी सुनाएगी तो हमें नहीं सुनना, बहुत सारी आती है व्हाट्सएप पे, या कभी कभी ये गुड मॉर्निंग के मैसेजेस आते हैं, गुड नाइट के मैसेज आते हैं, ये सब नहीं चाहिए सर हमको, ऐसा कुछ होगा क्या, ऐसा कुछ होगा नहीं, थ्रू सेज सर जॉब ऑफर्स आएंगे, वाओ। Yogesh says, once you start exploring in a specific direction, the algorithm shows. Yes, उसने बताया पीछे background कैसे काम करता है LinkedIn का. Job related post, job recruitment. Boss, job पे focus मत रखो यार, अभी job को भूल जाओ, और कुछ भी इससे होगा, क्या होगा वो बताओ मुझको, जब आप इनको follow करोगे तो क्या होगा, क्या होगा, AnyBrain को देखते हैं क्या क्या होगा, AnyBrain को follow कर रहे हैं, चलो AnyBrain को follow कर रहे हैं, AnyBrain को फॉलो कर रहे हैं, AnyBrain ने एक वीडियो डाला, वाओ, वीडियो क्या डाला, 3 days पहले डाला है ये वीडियो, 3 days पहले, और क्या डाला है, AnyBrain is thrilled to support Bang Bang Pictures on the 800 and it is thankful to so and so and so and so, the 800 is noticed the year of biggest global debut, वाओ, मतलब एक नई फिल्म जो कि AnyBrain ने सपोर्ट की, जिसपे काम किया, इस फिल्म के बारे में पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन, 10 years in the making of 5000 cast members shot entirely on IMAX camera, तुम्हारा नॉलेज बढ़ाने के लिए क्या है बॉस, लिंक्डइन के अलावा क्या है, ये ही करते रहो, खाली पढ़ते रहो, पोस्ट देखते रहो, आपको इतना इंडस्ट्री नॉलेज मिलेगा, इतना इंडस्ट्री नॉलेज मिलेगा, उस कंपनी में इंटरव्यू देने जा रहे हो उसके पहले उसका लिंक्डइन ओपन करके देख लिया कि कंपनी ने क्या क्या अनाउंसमेंट किए हैं, कंपनी ने किस किस तरह की जॉब्स डाली हैं, कंपनी के नए साइनअप्स क्या हैं, नए प्रोजेक्ट्स क्या हैं, किसके साथ क्या उन्होंने टाइअप्स किए हैं, ये सब चीजें आपको यहाँ मिलेगी। जॉब्स पे आप जाओ, ये सारी जॉब्स हैं, प्रोडक्शन कोऑर्डिनेटर, एनिमेटर की जॉब है, 3 घंटे पहले एमपीसी ने पब्लिश की है, ऑल जॉब्स, ऑब्सी जॉब्स। अब समझ में आया, एक है जॉब के पीछे दौड़ना और एक है जॉब को अपने लिए दौड़ाना, दिस इज वॉट आई वॉन्ट फॉर ऑल ऑफ यू, और ये तब होगा जब आप सेकेंड जो हमारी वर्कशॉप होगी इस बारे में, जिसमें मैं आपको ये पूरी चीजें सिखाऊंगा कि कनेक्शन कॉन्टेक्ट्स कैसे बढ़ाने हैं। गाइस आई जस्ट वॉन्ट टू टेक मोर 5 minutes ऑफ यू एंड देन वी विल एंड दिस वर्कशॉप, I will take you on my profile. मैंने आपको शुरू में बोला था, I will take you on my LinkedIn profile to show you something, to show you the power of LinkedIn, that how LinkedIn, you know, how LinkedIn can help. Now, let me go on LinkedIn again. Sign it with Google. You know, I'm a premium member of LinkedIn, and how much I pay to LinkedIn?
I pay every month 2,500 rupees just to be on LinkedIn. You know, so you can imagine, कोई person 2,500 रुपए अपनी जेब से क्यों देगा एक system को, जबकि बहुत सारी चीजें तो मैंने आपको जो अभी बताई ये सब तो free मिली, ये तो free profile में available है, लेकिन paid मैंने अपना profile लिया हुआ है. Why paid profile? You know, wow, see, पद्मनाभ सर का क्रिएटिव एजुकेटर का सर्टिफिकेट का फीड आया, वाओ ग्रेट. सो अब आप देखो क्या हुआ यहाँ पे, जब आप जाते हो, मैं आपको कुछ चीजें यहाँ बताना चाहता हूँ. दिस इज माय अबाउट. नाउ आई जस्ट वांट टू गिव यू एन आइडिया हाउ यू कैन क्राफ्ट योर स्टोरी, हाउ आई एम क्राफ्टिंग माय स्टोरी. मैं डीन हूँ, मेरी एस्पिरेशन है आगे चल के और लोगों की हेल्प करना उस लेवल पे जो कि एक एकेडमिक ब्रांड डेवलप करना चाहते हैं अपना. तो मैंने क्या लिखा है, इफ यू आर लुकिंग फॉर इंस्पिरेशन एंड क्लैरिटी कोच फॉर योर एकेडमिक ब्रांड स्पेशली फॉर मीडिया डिजाइन एंड एनिमेशन यू आर फॉलोइंग अ राइट प्रोफाइल. अब मैंने उनको बताया है, आई कैन हेल्प योर एकेडमिक बिजनेस टू ट्रांसफॉर्म इनटू अ वैल्यू ओरिएंटेड प्रॉफिटेबल एंटिटी ब्ला ब्ला. उसका मैंने वैल्यू एडिशन में क्या करके दे सकता हूँ, मेरे को कॉन्टेक्ट कैसे किया जाए, मेरा डैशबोर्ड, मेरी एक्टिविटीज, मेरे एक्सपीरियंस. और इसके नीचे जब आप जाओगे, ये मेरे डॉक्टरेट के फोटोग्राफ, एंड देन व्हेन यू गो डाउन 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 वॉलंटियरिंग एक्सपीरियंस, कम्युनिटी वॉलंटियर, प्रोजेक्ट डायरेक्टर, स्किल्स एंड बैचेस. ये देखो मजेदार चीज, दिस इज द रिकमेंडेशन. आई हैव रिसीव्ड 21 रिकमेंडेशन सो फार फ्रॉम डिफरेंट पीपल, फ्रॉम माय स्टूडेंट्स, फ्रॉम प्रोफेशनल्स. प्रेम मोरिस, हु इज प्रेम मोरिस, हु इज प्रेम मोरिस? प्रेम मोरिस इज द Toon Boom India's main chief executive officer, technology officer. Now, he is there and he has given me a recommendation. Now, go ahead. Kuch aur cheezon ko dekhte hain. Ab ye cheeze kyon help kar rahi hai? Ye cheeze help karegi in terms of proving the efficiency overall. Sonali K, storyteller and co-founder of Kakhaga, unhone kuch bola hai. Kumar Shivam, Sudhanshu, he was ex-student. Padmanabh, he was my colleague. Sohan, my ex-student. Sandeep Patak, AGM, Assistant General Manager. So more five. Tejas, ex-student, now UX designer. Saish, ex-student, UX designer now. Parth Shah, Director of Centroid. Salim, my colleague, Salim sir. Rohan Page, you know, my ex-employee. Yudhishthir, he is into NESCOM. Chris Shamal Das, General Manager of Aptech. You know, so basically these profiles, these recommendations will help to prove my talent to the company. मुझे अपने बारे में बोलने की जरूरत नहीं, what I am. यहां से पता लगने दो. Given, मैंने कितने लोगों को recommendations दिए? 18 लोगों को मैंने recommendations दिए. क्या उनके बारे में मैंने feel किया? मेरी accomplishments, honors, awards, languages, projects, publications, मेरी किताबें, मेरी books जो मैंने लिखी हैं, वो ये सारी चीजों के अलावा जब ये सब आप करते हो तो फ्रूट्स क्या मिलते हैं? फ्रूट्स ये मिलते हैं गाइस, ये मैं आपको बताना चाहता हूं. ये फ्रूट्स देखो, कनेक्शंस, पीपल, टीममेट्स, कॉन्टेक्ट्स. 12,000 कॉन्टेक्ट हैं जो लिंक्डइन पे मेरे साथ कनेक्टेड हैं. कितने लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं, कितने लोगों को मैं फॉलो कर रहा हूँ, कितने ग्रुप्स में हूँ, कितने पेजेस में हूँ. इफ यू गो एंड सी माई पेजेस, यू सिर्फ मेरी प्रोफाइल फॉलो करो और उसमें जितने पेजेस हैं उतने भी ज्वाइन कर लिया ना, यू विल कवर एंटायर इंडिया एंड ऑलमोस्ट द वर्ल्ड फॉर एवीजीसी. यू नो हाउ मेनी पीपल आर फॉलोइंग, हाउ मेनी फॉलोअर्स आई हैव. और यहाँ पे ये देखो आप, नेस्कॉम, गिफिन, आर्ट स्टेशन, कार्टून ब्रू, वीएफएक्स, फाउंड्री, एनिमेशन एक्सप्रेस, एनिमेशन बॉक्स, बेटर डिजिटल, वॉल्ट डिज्नी, ड्रीम वर्क्स, एंटायर रेंज इज अवेलेबल. आपको सिर्फ ये कंपनीज आपने फॉलो कर ली, यू विल गेट लॉट एंड लॉट ऑफ इनसाइट्स एवरी डे. सो हाउ आई एम अपडेटेड विद डे टू डे व्हाट इज हैपनिंग इन द इंडस्ट्री. क्या हो रहा है यूबीसॉफ्ट में, आई नो. क्या हो रहा है क्रिएटिव गागा में, आई कैन टेल यू. सो ये क्यों, मैं सिर्फ एक घंटा रात को, जब आप लोग फेसबुक देख रहे हो या व्हाट्सएप देख रहे हो या इंस्टाग्राम देख रहे हो, मैं सिर्फ अपना लिंक्डइन ऐप ऊपर नीचे करता हूं एंड आई एम कनेक्टेड. My messages, this is the connections, messages, all professional messages, nothing else.
It's too much to learn. Okay, guys, let me come back again here and let us end this workshop by checking that surprise. But before that, कुछ टेक अवे टिप्स हैं. अगर आपने पूरी वर्कशॉप को ठीक से सुना होगा तो आपको सब कुछ क्लियर होगा, लेकिन फिर भी अगर नहीं क्लियर है तो ये चार पांच चीजें नोट कर लेना, काफी काम आएगी आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल को बनाने में. सबसे पहली टिप, एड प्रोफाइल फोटो अकाउंट्स विद प्रोफाइल पिक्चर्स एंड गेट 21% मोर व्यूज. 21 गुना ज्यादा व्यूज हैं उनको जिन्होंने अपनी प्रोफाइल ठीक तरीके से प्रोफाइल पिक्चर एड की है. Keep readers engaged by interesting details and visuals. अब मैं आपको अगली वर्कशॉप में बताऊंगा कि कैसे ये करना है, कैसे इंटरेस्टिंग डिटेल्स हमको ऐड करनी है. Add your freelance work and college project experience in your profile. Show your work story by adding pictures, reels and videos. Include your current city and get 23% more benefits of location-based searches. अपनी सिटी, अपना करंट लोकेशन या जिन लोकेशन पे आप जॉब करना चाहते हैं उनको आप ऐड करिए. उसके बाद हैविंग एटलीस्ट 5 रिलेवेंट स्किल्स. मैंने आपको बताई 50 स्किल्स आप ऐड कर सकते हो, कम से कम 5 करो. ऐड अ समरी ऑफ एटलीस्ट 40 वर्ड्स और मोर विल मेक योर प्रोफाइल मोर लाइकली टू टर्न अप इन योर फ्यूचर एम्प्लॉयर सर्च. प्लीज फॉलो ऑल दिस. एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, अ स्ट्रॉन्ग regular update of profile can be your ticket to a variety of professional opportunities. This can be your ticket to go into the industry. This can be your ticket to get an internship offer. This can be your ticket to attend a free workshop. Opportunities to hazaron tarah ki LinkedIn pe aapko milegi. Aap ek bar apna profile to banao acha. Ab who will get this badge? Aap sare log eligible ho. लेकिन दो शर्तें और है पूरी करनी है. नंबर 2, पहली शर्त, एक्टिवली अटेंडेड द वर्कशॉप, यस. सेकंड, वर्कड ऑन लिंक्डइन प्रोफाइल. हु कैन गेट, हु हैज वर्कड ऑन हिज लिंक्डइन प्रोफाइल? हाउ मेनी ऑफ यू विल वर्क ऑन लिंक्डइन प्रोफाइल? सेट 2, अगर आप वर्क करोगे, ये सेकंड कंडीशन पूरी करोगे, तो प्लीज टाइप 2 इन योर प्रोफाइल बॉक्स. ओ माय गॉड, आई कैन सी लॉट ऑफ, ओके, रेन, सुची, हर्षल, ध्रुव, रिफा, संस्कृति, तेजस, युवराज, प्रगल्भ, ग्रेट, वंशिका, मीत, प्रबल, ताहिर, हर्षल, जैसन, सुमलता, ओके, ग्रेट, ग्रेट, ताहा, हर्ष, दिव्या, मयूरेश, दिया, सदफ, दक्ष, अमन, सिमरन, सुमित, अपूर्व, ग्रेट, योगेश, स्वतंत्र, हर्षदा, इंसिया, योगेश. वाओ वाओ, आई कैन नॉट रीड ईच एंड एवरी नेम. ऑलमोस्ट ऑल ऑफ यू गाइस, कूडोस. यही तो मुझे चाहिए. और तीसरी चीज आप करोगे कि शेयर व्हाट इज हिज एम फ्रॉम लिंक्डइन प्रोफाइल. ये एक चीज आपको कहाँ डालनी है, अपने कॉलेज के फेसबुक पेज पे डालनी है कि आप अपना लिंक्डइन प्रोफाइल क्यों बना रहे हो. मैंने आपको 3 चीजें बताई लिंक्डइन से आपको मिल सकती है. क्या? पहला, opportunities, learning opportunities LinkedIn से मिल सकती है. दूसरा, strong connections मिल सकते हैं. और तीसरा, job opportunities मिल सकती हैं. तो इसी को थोड़ा सा फ्रेम करो और फ्रेम करके कॉलेज के फेसबुक पेज पे, जहां पे ये वर्कशॉप का पोस्ट डला हुआ है हमारा, वहां पे नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर ये चीज लिखो कि आपका एम LinkedIn प्रोफाइल को बनाने का क्या है. ये तीनों चीजें हो गई और वहीं पे आपने LinkedIn प्रोफाइल भी पेस्ट कर देना. सो सोनल यहाँ पर है. सोनल हमारा डिजिटल मार्केटिंग का पूरा काम देखती हैं. सारे हमारे नेशनल और इंटरनेशनल नेटवर्क जो है वेदा के, वो मैनेज करती हैं. तो सोनल विल चेक किस किस स्टूडेंट ने हमारे फेसबुक पेज के ऊपर ये एक लाइन लिखी है कि व्हाट इज हिज एम फ्रॉम लिंक्डइन, ताकि हम उस एम तक उसको पहुंचा सके. नंबर 1, और लिंक्डइन की प्रोफाइल अपनी पेस्ट की है. जिन्होंने अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल पेस्ट करी और साथ में ये अपना लिंक्डइन का एम बताया, उसको ये ऑफिशियल बैज प्रिंसिपल डेस्क की तरफ से आपको आपके ईमेल पे मिल जाएगा विद योर नेम. और ये प्रोफेशनल बैज आप अपने प्रोफाइल के ऊपर लगा सकते हैं. और उसके बाद नेक्स्ट सरप्राइज इज दिस. नाउ दिस इज गोइंग टू बी अ नेक्स्ट वर्कशॉप टू टेक द लिंक्डइन ऑन अ नेक्स्ट लेवल, लाइक लिंक्डइन कनेक्शन एक्सपर्ट. अगर आपने पहला काम पूरा कर लिया तो ही आप इस वर्कशॉप में आ पाएंगे. इस वर्कशॉप में
11 सितंबर को 2 बजे इस वर्कशॉप में, आई थिंक फ्राइडे है उस दिन, तो इस वर्कशॉप में हम देखेंगे कि कैसे हम उस लिंक्डइन के ये जो कनेक्शन का गेम है, नेटवर्क और कनेक्शन का, इसके एक्सपर्ट कैसे बने, और जो ये वर्कशॉप जो लेवल 2 की अटेंड कर लेगा उसको ये लेवल 2 का भी बैज मिल जाएगा जो कि वो लिंक्डइन पे यूज कर सकता है, अपने रिज्यूम पे यूज कर सकता है, कॉल्ड लिंक्डइन कनेक्शन एक्सपर्ट एंड योर नेम, जस्ट विजुअलाइज योर नेम हियर एंड देन यू फील यू विल गेट दैट काइंड ऑफ यू नो एनर्जी एंड ज़ील टू बी हियर. सो गाइस थैंक यू वेरी मच. विद दिस आई वुड लाइक टू एंड दिस सेशन. अब मैं स्टॉप कर देता हूं और आपके सामने फिर से मैं आ गया. ओके सो एनी फीडबैक देवयानी सर, दिस वर्कशॉप वॉज अमेजिंग, 1000% हेल्पिंग. थैंक यू वेरी मच देवयानी. मैं कुछ दे पाया आप लोगों को, दिस इज माई फॉर्चून. श्योरली वर्क ग्रेट. थैंक यू सो मच वंशिका सेज. थैंक यू वंशिका फॉर बींग हियर. ऑसम वर्कशॉप, वेरी इंसाइटफुल. दिस वॉज वेरी वेरी हेल्पफुल. अमेजिंग सर. हम शाबाश क्या लिखा है, हम K9L एक्सट्रीमली मोटिवेटेड इंस्पायर्ड. ग्रेट, दैट वॉज ऑसम. इट्स नीडेड फॉर अस. वैभव थैंक यू वैभव. अबूजर वन ऑफ बेस्ट एक्सपीरियंस. वाओ ग्रेट. थैंक यू यार, मतलब आप लोग को अच्छा लगा और इससे सीखने को मिला. आई एम रियली रियली ऑनर्ड. मुझे अच्छा लगा कि मेरा ये 1-2 घंटे अच्छे लगे. जैसन लव द वर्कशॉप, गेन ग्रेट नॉलेज इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग लिंक्डइन. प्रियंका से इज वेरी इंसाइटफुल. थैंक यू वेरी मच मैम. ताहिर से थैंक यू सो वेरी मच सर, वेरी हेल्पफुल. थैंक यू वेरी मच गाइज. ये वर्कशॉप का पहला हिस्सा है. थैंक यू गाइज, थैंक यू वेरी मच. ये वर्कशॉप का पहला हिस्सा है. दूसरा हिस्सा 11 तारीख को पूरा होगा जब हम इसके एक्सपर्ट बनेंगे. आज हम प्रो बने हैं. प्रो बनने के बाद एक्सपर्ट बनना है और दोनों बैचेस जिस दिन हुए, आई एम श्योर यू आर गोइंग टू किल द मार्केट. आपके पास वो सारी अपॉर्चुनिटीज होंगी, वो सारी नॉलेज होगी इंडस्ट्री के बारे में जो कि आपको जानना समझना बहुत जरूरी है. जॉब में जाने के पहले, पहला इंटरव्यू कॉल आने के पहले ये सारी तैयारियां करनी. इंटरव्यू कॉल आने के बाद तैयारी करना, हम लेट कमर्स हो गए. यू नो दिस अमेजिंग. स्वतंत्र सेज अमेजिंग. पुणेन्द्र सेज दिस वर्कशॉप वॉज वंडरफुल, सो मोटिवेटेड, आई लर्न अ लॉट, इट्स माई न्यू थिंग. गाइज यही तो बात है, आप करो और फिर उसमें जो भी हेल्प लगे कम टू मी. आई एम ऑलवेज देयर. माई व्हाट्सएप नंबर इज ऑलवेज अवेलेबल विद यू ऑल. कीप वर्किंग ऑन योर प्रोफाइल. एंड ये इसी तरह की का एक सेशन, छोटा लेकिन वेरी कंसाइज सेशन हम फेसबुक के ऊपर भी लेंगे. और अब से मैंने आपको बता दिया लिंक्डइन फेसबुक, अब आप प्रोफेशनल हो. प्लीज डोंट यूज योर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फॉर यू नो शोइंग पिक्चर्स लाइक मैं चाट खा रहा हूँ, ये देखो मेरी पिक्चर, मैं पिज्जा खा रहा हूँ, ये देखो पिज्जा में से वो उसकी चीज ड्रॉप नीचे गिर रहे हैं. कमॉन, ये हो गया बचपना जितना करना था. अब हमको अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल, हायरिंग्स सिर्फ रिज्यूम और सीवी से नहीं होती, फेसबुक लिंक्डइन सब जगह से होती है. सो प्लीज रिमेम्बर दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आई हैव शोन अ लाइव स्टडी टू यू, लाइव एग्जाम्पल टू यू. अब आप इस चीज को सीरियसली लोगे ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ. एंड विद दिस वी वुड लाइक टू एंड दिस. थैंक यू वेरी मच वंस अगेन फॉर बींग हियर एंड अटेंडिंग दिस वर्कशॉप. लव यू ऑल.